Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. फील्ड में गए बालाज. तो कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब यह फाइट तेरी मौत से खत्म होगी. मैं उसके लिए जान दे सकता हूं. तू दे सकता है. दुआ. बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते. एक को 10-10 मिल के मार रहे हैं. ये तो मुंबई में होता है. अबे चुपचाप निकल जा यहां से, हमारे झगड़े में ना पड़. अभी तक तो नहीं सोचा था. कौन सा एक्शन सीन्स रिक्रिएट होंगे रीमेक फिल्म में? क्या कहानी में दिखेगा एक देसी टच? 1982 released film First Blood में Sylvester Stallone ने एक अमेरिकी सेना के दिग्गज सिपाही का किरदार निभाया था जो पुलिस, दुश्मन सैनिकों और ड्रग कार्टेल से लड़ने के लिए अपने वियतनाम के युद्ध में सीखे गए स्किल्स ऑफ पावर्स का बखूबी इस्तेमाल करता है. 1982 में आई इस हॉलीवुड फिल्म का बनने जा रहा है एक हिंदी रीमेक, वो भी रैम्बो के नाम से, जिसमे हमें टाइगर श्रॉफ लीड रोल यानी रैम्बो के किरदार को निभाते नजर आएंगे. और बता दी फिल्म के डायरेक्टर हैं वॉर, बैंग बैंग और सलाम नमस्ते जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले सिद्धार्थ आनंद. लेकिन फिल्म के डायरेक्टर का कहानी के स्टाइल को लेकर कहना है कि फिल्म को भारतीय आइडियोलॉजी के अनुसार लिखा गया है, तो ऐसे में ये तो फिक्स है कि फिल्म की कहानी में हमें देसी बॉलीवुड टच देखने को मिलने वाला है. अब वो देसी टच फिल्म की कहानी को लेकर होगा तो शायद इस बार भी टाइगर एक्शन में अपना परचम लहरा देंगे, लेकिन कहानी के मामले में फिल्म शायद मार खा जाए. पर एक चीज जो टाइगर हो या फिल्म के डायरेक्टर, दोनों ही किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, और वो है ओरिजिनल फिल्म के एक्शन स्टंट्स. सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में हॉलीवुड के कई एक्शन कॉपी किए जाते हैं, और आने वाली फिल्म रैम्बो तो खुद हॉलीवुड फिल्म का ही रिमेक होने जा रही है. तो ऐसे में आने वाली बॉलीवुड फिल्म रैम्बो में कैसे एक्शन रिक्रिएट होंगे, चलिए आपको बताते हैं. दोस्तों रैम्बो फिल्म में बहुत से ऐसे एक्शन सीन्स हैं जो बाकियों से अलग है. कुछ तो इतने बेहतरीन एक्शन सीन्स पॉपुलर रहे हैं कि उन्हें हॉट शॉट्स पार्ट डेस्क जैसी फिल्मों में वापस से दिखाया गया. ऐसा ही एक सीन था जहां रैम्बो टीएसएल के गले में चाकू रखता है, और इस फाइटिंग सीन में रैम्बो ने टीएसएल का खून असल में बहाने में परहेज भी नहीं किया. तभी तो दर्शकों को उनका ये खूंखार एक्शन सीन इतना जबरदस्त लगा. और आने वाली हिंदी रीमेक फिल्म रैम्बो में टाइगर हमें ये एक्शन सीन कुछ अपने अंदाज में करते नजर आ सकते हैं. वैसे तो टाइगर खुद एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन ऐसे जबरदस्त एक्शन फिल्म के लिए जबरदस्त एक्शन डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है. और हम सभी को पता है कि सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी अब रोहित धवन को सौंप दी है, ये उनका जिम्मा है. ऐसे में रोहित ने अब तक एक ही एक्शन फिल्म डायरेक्ट की है जो है दृश्यम, जिसने बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस. कौन है विल डीजल? क्या फिल्म में हो जाएगी विलन और हीरो की मौत? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में. इस साल कई एक्शन फिल्म्स बॉलीवुड में एक के बाद एक आने वाली हैं, जिसमें है शाहरुख खान की पठान, अक्षय की बच्चन पांडे, टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 और बागी 4 के बाद जल्द ही रैम्बो फिल्म आने वाली है. ऐसे में एक्शन के दीवानों के लिए ये साल काफ़ी मनोरंजन से भरा होने वाला है.
ऐसे में हॉलीवुड फिल्म फर्स्ट ब्लड का रीमेक होने वाली फिल्म रैम्बो में टाइगर लीड रोल में नजर आएंगे, लेकिन उनके ऑपोजिट विलन किरदार में कौन होगा? जहां ओरिजिनल फिल्म में सिल्वेस्टर स्टेलोन के ऑपोजिट विलन कैरेक्टर में विल टीजल को कास्ट किया गया था, उनका किरदार सेम नाम की नॉवल पर बेस्ड कहानी पर ही फिल्माया गया था। ऐसे में आने वाली हिंदी रीमेक रैम्बो में भी हमें विलन की वही सेम कहानी देखने को मिलने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां इस फिल्म में टाइगर का कैरेक्टर एक अंडरडॉग जैसा होगा, जो पूरी फिल्म में किसी की हत्या नहीं करता है, लेकिन अनजाने में कहानी के एंड में विलन और हीरो एक दूसरे को ही मार देते हैं जान से, ऐसा ओरिजिनल फिल्म की कहानी में हुआ था। अब हिंदी रीमेक में रोहित धवन कहानी के एंड में कोई बॉलीवुड तड़का लाने के लिए हो सकता है कि हीरो को ना मारे, क्योंकि हिंदी सिनेमा में बाबू भैया यहाँ कुछ भी चलता है। रैम्बो में विलन किरदार की बात करें तो ऐसे तो फिल्म में किसी भी कलाकार का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन अगर हम ओरिजिनल फिल्म के विलन विल टीजल के कैरेक्टर को देखें तो टीजल एक पुलिस अधिकारी होने के बावजूद वो केवल एक भ्रष्ट पुलिस वाले से ज्यादा कुछ नहीं है। साथ ही नियंत्रण सन की सोच रखने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। फिल्म में टीजल का किरदार जहां थोड़ा सन की दिखाया है, ऐसे में बॉलीवुड स्टार में टीजल का कैरेक्टर विशाल जेठवा, जिनका बेहतरीन काम हम मर्दानी 2 में देख चुके हैं, सन की किरदार उनसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्या फिल्म का बजट होगा हाई? कौन सी लोकेशन देखने को मिलेगी फिल्म में? कौन सी मुसीबत आ सकती है फिल्म शूट के दौरान? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, एंड मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट स्वाति तिवारी। साल में एक फिल्म करने वाले टाइगर श्रॉफ अपने काम को लेकर इतने डेडिकेटेड हैं कि वो अपने फिल्मी किरदार के लिए इतना वर्कआउट करते हैं, जिसके चलते वो साल में एक ही फिल्म कर पाते हैं। ऐसे में जल्द ही आ रही है टाइगर की एक्शन फिल्म रैम्बो, जो सिल्वेस्टर स्टालोन की फिल्म फर्स्ट ब्लड का रीमेक होने वाली है। ऐसे में इस फिल्म का बजट 60 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन फिल्म की डिमांड और स्टैंडर्ड देख के लग रहा है कि इस फिल्म का बजट 60 करोड़ से तो ऊपर ही जाएगा। हर रीमेक फिल्म में देखा गया है कि बॉलीवुड मेकर्स ओरिजिनल फिल्म को बिल्कुल कॉपी करने में माहिर हैं। फिर चाहे वो फिल्म की कहानी हो, किरदार का गेटअप हो, या उसके एक्शन स्टाइल या फिर लोकेशन। आपको बता दें, फिल्म के ओरिजिनल सीन्स द फ्रेसर वैली ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कैनेडा में शूट हुए थे। ऐसे में उस समय इस शूट में फिल्म का November 15, 1981 से April 1982 तक 15 मिलियन बजट लगा था। ऐसे में अगर रोहित धवन फिल्म के लिए ओरिजिनल लोकेशन को रिक्रिएट करके शूट करना चाहेंगे तो फिल्म का बजट काफी ज्यादा हो जाएगा। और 1982 से 2022 में फिल्म में यूज हुई लोकेशंस काफी चेंज हो गई हैं और कई लोकेशंस अब बंद भी कर दी गई हैं, जिसमें ट्री हाउस हेल्थ फूड अब माउंटेन स्टेट में बदल दिया गया है। वहीं आउटपुट गन शॉप अब कमीशन स्ट्रीट और थर्ड एवेन्यू के इंटरैक्शन का साधन बन गई है। ये जगह फिल्म के लिए स्पेशली बनाई गई थी, जो शूट के दौरान ही डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उसी दौरान। फिल्म का फेमस चैपमैन्स गॉर्ज जगह एक्चुअल में कनाडा का ओथेलो टनल था, जिस पर से रैम्बो अपनी मोटरबाइक दौड़ाता है, लेकिन अब उस जगह को होप पिज़्ज़ा प्लेस में बदल दिया गया है। ऐसे में डायरेक्टर फिल्म की शूट के लिए कई और जगह पर जा सकते हैं, लेकिन कई लोकेशंस उनको क्रिएट करनी पड़ सकती हैं। वैसे तो सिद्धार्थ आनंद इस काम में काफी माहिर हैं, क्योंकि वो पहले भी हॉलीवुड फिल्मों के एक्शंस और लोकेशंस को रिक्रिएट करते वॉर और बैंग बैंग में दिख चुके हैं। लेकिन इस बार फिल्म को रोहित धवन डायरेक्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं आखिर बॉलीवुड। मैम, आई प्रॉमिस यू माय बेस्ट मैन विल बी ऑन द जॉब। आई हैव अ रिक्वेस्ट। मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। अब यह फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान नहीं सकता।
कौन करेगा फिल्म में सिनेमेटोग्राफी? कैसे सिद्धार्थ आनंद अभी भी जुड़े हैं रैम्बो फिल्म से? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट स्वाति तिवारी। तो जब जब कोई फिल्म बड़े पर्दे के लिए तैयार होती है तो दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं, और जैसे ही फिल्म का टाइटल रिवील होता है दर्शक वहीं से थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी होगी, और उसी चीज को और क्लियर कर देता है फिल्म का टैगलाइन। जी हाँ, जैसे बाहुबली बिफोर द बिगनिंग, नाम देख लीजिए, इसी में आपको पता चल रहा है कि आने वाली फिल्म अपनी बाहुबली की तो होगी ही, लेकिन इसके टैगलाइन से ये क्लियर हो रहा है कि वो कहानी हमें पीछे की कहानी दिखाएगी, ना कि फ्यूचर की। ठीक ऐसा ही होने वाला है आने वाली हॉलीवुड फिल्म फर्स्ट ब्लड की हिंदी रीमेक रैम्बो की। हम सभी को पता है कि आने वाली टाइगर की रीमेक फिल्म का नाम रैम्बो होगा, लेकिन इस फिल्म की टैगलाइन क्या होगी? नो क्लू। तो दोस्तों, फिल्म की टैगलाइन, वैसे तो चांसेस हैं कि ओरिजिनल फिल्म की टैगलाइन वन वॉर अगेंस्ट वन मैन भी हो सकती है, लेकिन अगर बॉलीवुड में कोई अलग टैगलाइन देनी हुई फिल्म को तो वो कुछ ऐसा होगा, ही नेवर फॉट अ बैटल ही कुडंट विन, या दिस टाइम ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, या फिर अ वन मैन वॉर, ऐसा कुछ रख सकते हैं जो फिल्म की कहानी को पूरी तरह से जस्टिफाई करता हो। वहीं आने वाली इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर हमें बेंजामिन जैस्पर का नाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि आने वाली फिल्म को वैसे तो रोहित धवन डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को बनाने का प्लान काफी अरसे से सिद्धार्थ आनंद का था, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल के चलते इस फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ ने रोहित धवन को सौंपा है। पर सिद्धार्थ इस फिल्म के प्रोड्यूसर होने के साथ साथ इस फिल्म के राइटर भी हैं, और पहले भी सिद्धार्थ हाल ही में आई उनकी फिल्म वॉर, जो हॉलीवुड इंस्पायर्ड फिल्म्स पर बेस्ड थी। क्या फिल्म में दिखेगा कोई खतरनाक वेपन? कैसे आई थी हॉलीवुड में रैम्बो की कहानी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज़ के दिलचस्प गलियारे में। टाइगर की आने वाली फिल्म रैम्बो काफ़ी समय से सुर्खियों में है, जब से इस फिल्म में टाइगर का लुक सामने आया है जो हूबहू हॉलीवुड की रैम्बो के कैरेक्टर जैसा है। और हो भी क्यों ना, ये फिल्म 1994 में आई सिल्वेस्टर स्टैलोन की रैम्बो का हिंदी रीमेक जो होने वाला है। तो फिल्म में लुक्स हो या स्टोरी, हर चीज़ आपको कट टू कट वैसे ही देखने को मिलने वाली है, लेकिन एक बॉलीवुड टच के साथ और फिल्म में टाइगर श्रॉफ हो तो उनका स्टाइल सबसे निराला और अनोखा है। ऐसे में फिल्म में आपको वेरिएशन के नाम पर एक्शन स्टाइल थोड़ा अलग दिख सकता है। फिल्म एक्शन से भरपूर होने वाली है, तो ऐसे में टाइगर हर फिल्म में अपना कोई वेपन तो ज़रूर रखते हैं, फिर चाहे वो बागी सीरीज में यूज हुई उनकी शील्ड हो, लेकिन इस बार टाइगर अपना कुछ अनोखा वेपन करने जा रहे हैं यूज। जैसा हम बता चुके हैं कि ये फिल्म हॉलीवुड रैम्बो का रीमेक होने वाली है, तो टाइगर भी ओरिजिनल फिल्म के एक्शन को कॉपी करने के लिए वही वेपन यूज करते दिखेंगे जो फिल्म में सिल्वेस्टर स्टैलोन ने किया था। ओरिजिनल रैम्बो फिल्म में सिल्वेस्टर स्टैलोन ने इस फिल्म के लिए 6 कस्टम नाइफ बनवाई थी, जिसे डिजाइन किया था जिमी लिले ने। अगर आपने ये बेहतरीन फिल्म देखी है तो आपने थ्रू आउट द फिल्म इस वेपन को देखा होगा। ये वेपन कैसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में हेल्प करती है, ये इतनी शार्प है कि ये अपनी धार से लकड़ी तक कट कर दे। सबसे खास बात, इसे आप कहीं भी छुपा सकते हैं, इसका साइज मेडिसिन की गोली जितना छोटा सा हो जाता है। जो इतने ज़बरदस्त वेपन के बाद अब आने वाले रीमेक हैं टाइगर भी हमें यही वेपन यूज़ करते हुए नज़र आ सकते हैं, पर देखना ये है कि हमारे एक्शन किंग भी सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह ही खुद को डिमांड के अकॉर्डिंग नाइफ बनवाते हैं या नहीं। जब जब फिल्म्स बनती है तब तब एक नई कहानी उससे हमें जानने को मिलती है। जैसे टाइगर पर्सनली सिल्वेस्टर स्टैलोन के एक्शन के दीवाने हैं और उनकी तरह एक्शन करने का ट्राई करते हैं, ठीक वैसे ही हॉलीवुड रैम्बो फिल्म के राइटर टेड कोचेफ को इस कहानी का ख्याल मॉरेल की लिखी बुक से आया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिक्शनल कहानी का थ्रू आउट मॉरेल को वर्ल्ड वॉर टू में हुए लोगों के साथ एक्सप्लोइटेशन और सोल्जर ऑडी मर्फी की कहानी से आया, लेकिन उस सोल्जर का जिक्र ज्यादा है नहीं, जिसके चलते कई लोगों का कहना है कि रैम्बो
Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. हिल भी गए बालाज. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी. कौन सा सुपरस्टार रैम्बो फिल्म में देगा टाइगर श्रॉफ को पर्सनल ट्रेनिंग? क्या इस बार एक्टर की जगह डायरेक्टर हुए रिप्लेस? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियो. टाइगर श्रॉफ अपनी नेक्स्ट एक्शन फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं. वैसे कोई भी फिल्म हो, टाइगर उसमें अपना बेस्ट देते हैं. और यहाँ तक कि अगर फिल्म एक्शन वाली फिल्म हो तो उसमें टाइगर श्रॉफ को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि टाइगर एक्शन में कितने माहिर है. पर रैम्बो फिल्म टाइगर के लिए पर्सनली काफी क्लोज है. और टाइगर के लिए ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि उनके आइडल सिल्वेस्टर स्टैलोन की रैम्बो की हिंदी रीमेक है ये फिल्म. सिल्वेस्टर स्टैलोन ने ट्विटर पर खुद ही टाइगर श्रॉफ को उनकी इस फिल्म की हिंदी रीमेक के लिए बधाइयां दी थी. जब भी कोई फिल्म बनने वाली होती है तो डायरेक्टर के मन में हीरो जरूर तैयार रहता है जो उन्हें लगता है कि इस फिल्म के लिए वो बेस्ट है. पर कभी कभार ग्राउंड लेवल पर जाकर हीरो को रिप्लेस करना पड़ता है. लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि फिल्म में हीरो की जगह डायरेक्टर ही रिप्लेस हो गया? नहीं सुना है तो इस बार ऐसा रैम्बो फिल्म में हुआ है जहां पर डायरेक्टर को रिप्लेस कर दिया गया है. पहले इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले थे, पर अब इस फिल्म को रोहित धवन डायरेक्ट करेंगे. ये फिल्म रोहित और टाइगर श्रॉफ के बीच पहली कोलैबोरेशन होगी और उम्मीद करते हैं कि ये कोलैबोरेशन हिट साबित हो. एक्शन फिल्म से टाइगर श्रॉफ का जलवा बॉलीवुड पर हमेशा ही छाया रहा है, फिर चाहे वो फिल्म मागी हो या फिर ऋतिक रोशन के साथ उनकी फिल्म वॉर हो. उनके एक्शन परफॉर्मेंस को बॉलीवुड में हमेशा से ही अप्रिशिएट किया गया है, पर इस बार उनकी फिल्म रैम्बो के लिए उनके चैलेंजेस काफी बढ़ने वाले हैं. टाइगर श्रॉफ की डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी और अपने काम को पूरे मेहनत और लगन से काम करने वाला जो एटीट्यूड है, यही वजह है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के दिलों में भी उन्होंने अपनी जगह बहुत जल्द बना ली है. बॉलीवुड के टॉप सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की तारीफ करते हुए नजर आते हैं. जहां एक तरफ सिल्वेस्टर स्टैलोन जो ओरिजिनल मूवी रैम्बो के हीरो हैं, उन्होंने खुद ट्विटर पर टाइगर को इस फिल्म के लिए बधाई दी, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के ग्रीक गॉड यानी कि ऋतिक रोशन भी सोशल मीडिया अकाउंट पर टाइगर की खूब तारीफ करते हैं. ऋतिक रोशन ने भी सोशल मीडिया के थ्रू टाइगर की जमकर तारीफ की है. डायरेक्टर चेंज होने से पड़ेगा फिल्म पर एक बड़ा असर? कब होगी फिल्म रिलीज? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी. तो 1982 में आई क्लासिक रैम्बो फिल्म का रीमेक होने वाली है जल्दी ही आने वाली टाइगर की एक्शन फिल्म रैम्बो, जिसे एक्शन डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे थे, जो पहले भी टाइगर संग वॉर फिल्म में अपने डायरेक्शन का जादू दिखा चुके हैं. लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल के चलते सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म का डायरेक्शन अपने दोस्त रोहित धवन को दे दिया है. रोहित धवन दरअसल डेविड धवन के बेटे हैं, तो अब पिता के साथ साथ बेटा भी डायरेक्शन की दुनिया में पैर जमा रहा है. इससे पहले भी रोहित धवन देसी बॉयज और ढिशुम फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन जहां देसी बॉयज फिल्म हिट रही, वही ढिशुम फिल्म ने काफी जोरदार ढिशुम वाला पंच दिया और फिल्म अपना कमाल नहीं दिखा पाई. ऐसे में रोहित धवन जो डायरेक्शन जनर के मामले में अपने फादर डेविड धवन से एकदम अलग हैं, लेकिन अब फिल्म जिस तरीके से ऑलमोस्ट एक विजन के साथ सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट की थी, ऐसे में अब शायद आपको इस डायरेक्शन चेंज का अंतर भी फिल्म में दिख सके, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद हमेशा से ही हॉलीवुड फिल्मों के डायरेक्शन के दीवाने हैं, जो उनकी तमाम फिल्मों में नजर आती है, चाहे वो बैंग बैंग हो या वॉर हो. एक्शन फिल्मों को लेकर उनका विजन या कॉपी स्टाइल कमाल का है.
लेकिन अब कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, जो डिशम देखने के बाद शायद ही किसी में बची हो। ऐसे में आने वाली रैम्बो, जो एक्शन की फिल्मों में मशहूर है, उसकी रीमेक फिल्म में दर्शक टाइगर श्रॉफ से उम्मीद तो काफी लगाएंगे और काफी हद तक टाइगर उस पर खरे भी उतरेंगे, लेकिन जब बात डायरेक्शन की आएगी तो शायद फिल्म थोड़ी कमजोर साबित हो। पर देखते हैं अब जब फिल्म बड़े पर्दे पर आती है तो क्या होता है। बात फिल्म की रिलीजिंग डेट की करें तो पहले फिल्म 2 अक्टूबर 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म में डायरेक्टर की इस अदला बदली में फिल्म की डेट टल गई और अब फिल्म हमें 2022 में देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर रोहित धवन अपनी आने वाली साउथ फिल्म रीमेक शहजादा 4 नवंबर 2022 को करते जा रहे हैं। ऐसे में उनकी हर फिल्म की एक खास बात होती है कि वो जिस फिल्म का हिस्सा बनते हैं वो फिल्म एक फ्रेंचाइजी में बदल जाती है, फिर चाहे वो हीरोपंती की फ्रेंचाइजी हो या बागी की फ्रेंचाइजी फिल्म और जल्द ही आने वाले वॉर फिल्म का सीक्वल। ऐसे में रोहित धवन की डायरेक्शन में बन रही फिल्म रैम्बो जल्द ही बड़े पर्दे पर उतरने वाली है और सबको चौंकाने वाली है। आने वाली रैम्बो फिल्म हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टॉलन की रैम्बो की रीमेक होने वाली है। तो जैसा हम आपको बता चुके हैं कि टाइगर की फिल्म मतलब फिल्म जल्द ही एक फ्रेंचाइजिंग में बदली जा सकती है और आने वाली रैम्बो फिल्म जिस फिल्म का रीमेक है उस फिल्म के तो ऑलरेडी कई पास है, तो काफी चांसेस हैं कि अगर आने वाली रैम्बो फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो मेकर्स इसको एक फ्रेंचाइजी में जरूर बदल देंगे। आने वाली फिल्म रैम्बो जहां एक बॉक्सर की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारेगी, वहीं अगर इस फिल्म का पार्ट बनता है तो हो सकता है कि टाइगर आने वाले पार्ट में हमें अफगानिस्तान में नजर आए। लेकिन अफगानिस्तान, क्योंकि ओरिजिनल रैम्बो फिल्म के एक पार्ट में रैम्बो अफगानिस्तान सोवियत वॉर के बीच अपने दोस्त और कमांडर कर्नल को बचाने के लिए अफगानिस्तान जाता है, तब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। ऐसे में अमेरिका ने अपने दुश्मन सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे अफगान मुजाहिदीनों को हीरो कंसीडर किया। अब इसलिए जब ये लोग रिश्तों में हदें पार करते हैं, लेकिन टाइगर की तैयारी बॉलीवुड के किंग बनने की है? जी नहीं दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह तो शाहरुख खान ही रहेंगे, लेकिन टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के रीमेक किंग बनने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। टाइगर श्रॉफ की बॉलीवुड जर्नी की अगर मैं बताऊं तो आप सभी जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म हीरोपंती, जो कि एक साउथ फिल्म परुगु हिंदी का रीमेक था, और उसके बाद टाइगर की रिलीज हुई सुपर डुपर हिट फिल्म फ्रेंचाइजी बागी, जिसके तीनों ही सीक्वल साउथ फिल्म के रीमेक थे। श्रद्धा कपूर के साथ टाइगर श्रॉफ की जोड़ी को काफी ज्यादा सराहा गया था। साथ ही ऋतिक रोशन के साथ रिलीज हुई सुपर एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर को भी हॉलीवुड मूवी का एक रीमेक ही बताया जाता है।
अब तक के करियर में अगर हम ये कहें कि टाइगर श्रॉफ की 10 फिल्में बनाई गई है तो 10 में से कम 8 फिल्में रीमेक पर है। और अभी कुछ टाइम बाद रिलीज होने वाली टाइगर श्रॉफ की एक्शन ड्रामा फिल्म रैम्बो भी एक हॉलीवुड फिल्म का रीमेक होगी। साथ ही टाइगर श्रॉफ की बॉलीवुड में जो कि अगली कुछ फिल्म रिलीज होने वाली है वो भी रीमेक पर ही बेस्ड है। लेकिन हर बार टाइगर श्रॉफ के अंदाज फिल्म में एक नयापन डाल ही देता है जिस वजह से फिल्म हमेशा ही सुपर डुपर हिट साबित होती है। टाइगर की शादी तक फिल्मों में सिर्फ एक्शन ही देखा गया है, उनके मासूमियत इतना ज्यादा नहीं नजर आती है, सिर्फ और सिर्फ गुंडों के साथ मारपीट करते हुए ही टाइगर श्रॉफ नजर आते हैं। रैम्बो फिल्म में भी इसी तरह की अंदाज टाइगर श्रॉफ का नजर आने वाला है। रिलीज की स्टोरी लाइन के अनुसार टाइगर श्रॉफ एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाने वाले हैं, तब भी वो सामने आते हैं जब कोई मदद के लिए उन्हें मासूम लोग बुलाते हैं। सिद्धार्थ आनंद का प्रोडक्शन हाउस मोरप्लेक्स का ये ट्रिपल मेगा बजट वेंचर साबित होने वाला है। सिद्धार्थ आनंद बॉलीवुड के टॉप आर्टिस्ट के साथ सुपर एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सबसे पहले ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के साथ सिद्धार्थ ने मेगा बजट फिल्म बनानी शुरू की थी और इसी लाइन में अगली टाइगर श्रॉफ की रैम्बो फिल्म शामिल हुई। और साथ ही बॉलीवुड में हाल ही में काफी सदर नाम की और उनके साथ साउथ के सुपरस्टार प्रभास के साथ भी एक बिग बजट एक्शन फिल्म बनाने वाले हैं। कुछ समय पहले टाइगर श्रॉफ की फिल्मों को लेकर काफी अफवाह उड़ रही थी कि प्रभास की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर सिद्धार्थ आनंद ने रैम्बो फिल्म के टाइगर श्रॉफ को रिप्लेस करके प्रभास को फाइनल कर दिया है। लेकिन कुछ ही समय पहले टाइगर श्रॉफ ने इन सारे रूमर्स का जवाब देते हुए लोगों को बताया कि ऐसा कोई रिप्लेसमेंट फिल्म में नहीं किया गया है, वो मेन लीड में अपना जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। और लेकिन हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट सीन के लिए प्रभास फिल्म में केमियो करते हुए नजर आए, यानी कि ये बात तो साफ है कि फिल्म में प्रभास की एंट्री होनी तो पक्की ही है। इस बार फिल्म में जोरदार एक्शन सीन दिखाए जाएंगे, विलेंस के साथ कांटे की टक्कर इस बार होने वाली है। लेकिन इस फिल्म की खास बात ये भी होगी कि इस बार टाइगर श्रॉफ एक्शन के साथ साथ इमोशंस का भी डबल ड्रामा दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। इस बार रैम्बो फिल्म में उनके इमोशंस की वजह से कोई कमी ना रह जाए और ये पहली बार होगा जब वो इमोशनल ड्रामा के साथ एक्शन भी करने वाले हैं। इसके लिए खास तैयारी टाइगर श्रॉफ करना चाहते हैं और उसी वजह से खास तैयारी के लिए ट्रेनिंग भी खास इंसान से होनी चाहिए। और जब घर में ही एक्टिंग की यूनिवर्सिटी हो तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ अपने पिता जैकी श्रॉफ से इसके लिए ट्रेनिंग भी लेने वाले हैं। उनका जो किरदार इस बार रैम्बो फिल्म में नजर आने वाला है, ठीक उसी तरह के कुछ पॉजिटिव राउडी वाला किरदार उन्होंने अपने पिता जैकी श्रॉफ अपने फिल्मों में भी निभा चुके हैं। रैम्बो एक हॉलीवुड फिल्म थी जिसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल एज इट इज उठाई गई है। इस रैम्बो फिल्म में टाइगर श्रॉफ का लुक, तेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं है, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? कौन होगी रैम्बो की हीरोइन? कैसे बने रैम्बो जीरो से हीरो? क्या क्लाइमेक्स में दिखेंगे सिल्वेस्टर स्टैलोन? हेलो एंड वार्म वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीक्रैट स्टूडियोज और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी रैम्बो के साथ। तो अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। रैम्बो एक बॉलीवुड की एक एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद। दोस्तों बता दें कि रैम्बो मूवी में एक्टर के लीड रोल में नजर आएंगे बॉलीवुड के शेख। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की। और बात करें फिल्म की एक्ट्रेस की तो सुनने में आ रहा है कि रैम्बो की हीरोइन का किरदार निभाएंगी तेलुगु की हीरोइन पूजा हेगड़े। जी हाँ, और सुनने में आया है कि पूजा नजर आएंगी एक सोल्जर के रूप में। फिल्म की कहानी होगी बहुत ट्विस्ट से भरी जिसमें रैम्बो करेंगे ढेर सारी मुसीबतों का सामना। रैम्बो दरअसल एक छोटा सा पपी जैसा है जिसको अगर कोई बाइट करेगा तभी ही वो वार करेगा। ऐसे देखा जाए तो रैम्बो दिल का साफ और बहुत इनोसेंट है। रैम्बो को एक गलत फैमिली में जेल में कैद कर दिया जाता है और तभी रैम्बो को फाइट करना और खुद का स्टैंड लेना भी नहीं आता है।
पर जेल में कैद होने पर रैम्बो को बहुत फायदा मिला, जिससे रैम्बो हुआ काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी ज्यादा कॉशियस। रैम्बो कुछ सालों से जेल में रहकर खुद की काफी ट्रेनिंग करता है, जिससे वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हर एक मुसीबत का सामना करने को बिल्कुल भी नहीं घबराता। फिल्म में रैम्बो सेल्फ कॉन्फिडेंट है और सेल्फ बिलीव से सच का सामना करके जीतने की कड़ी मेहनत करता है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या रैम्बो कर पाएंगे मुसीबत का सामना और लड़ पाएंगे इंडियन सोल्जर से। ये तो आपको फिल्म जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला है तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा? ये खाएगा कैसे दिखाई टाइगर ने हीरोपंती? कहां हो रही है हीरोपंती 2 की शूटिंग? कैसे इतिहास फिर दोहराया जाएगा? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आप लोगों के सामने बॉलीग्रह स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। रोजाना बागी स्टार टाइगर श्रॉफ अपनी हॉट एंड किलिंग फोटोज इंटरनेट पर शेयर करते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले टाइगर ने एक काफी अपीलिंग फोटो शेयर की थी। इस फोटो को देख आपको टाइगर के हैंगओवर से बाहर निकलने में जरा वक्त लगेगा, क्योंकि इन दिनों वैसे तो वो अपनी फिल्म गणपत में बिजी हैं, लेकिन इसी के साथ वो अपनी आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 की तैयारियों को भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, ताकि फिल्म को लेकर बज बना रहे। साथ कई इसे रैम्बो रीमेक की तैयारी भी मान रहे हैं। इन फोटो को देखकर आपको पता लग जाएगा कि बागी स्टार हिट बॉलीवुड फ्रेंचाइजी हीरोपंती की तैयारी दिलो जान से कर रहे हैं। अपने इन किलर लुक से टाइगर श्रॉफ ने इंटरनेट पर तो तहलका मचा ही दिया है, साथ ही अपनी माचो इमेज से फैंस को भी घायल कर दिया है। बागी स्टार ने ये फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर अपने फैंस को बस समझ लीजिए कि शौक ही दे दिया है। वैसे बता दे कि फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद अगस्त में यशराज फिल्म्स के लिए टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के साथ जल्द अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने जा रहे हैं, जो फिल्म वॉर का सीक्वल बताया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ वो रैम्बो के रीमेक पर भी काम कर रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म में भी टाइगर श्रॉफ ही नजर आएंगे। सिल्वेस्टर स्टैलोन की इस हिट फ्रेंचाइजी के हिंदी रीमेक की शूटिंग सिद्धार्थ पहले फरवरी 2019 में शुरू करने की सोच रहे थे, लेकिन अब वो पहले यशराज के प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे और इसके बाद ही रैम्बो फ्रेंचाइजी पर काम शुरू हो सकेगा। फिर भी उम्मीद की जा रही है कि रैम्बो पर मार्च 2022 से काम शुरू हो जाए, क्योंकि फैंस काफी लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि हीरोपंती एक स्पाई थ्रिलर है, इसीलिए इस फिल्म को अलग अलग जगहों पर शूट किया जा रहा है। अभी कुछ टाइम टाइगर करेंगे जंगल में शूट। नमस्कार, बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी रैम्बो के साथ। तो अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। रैम्बो की मूवी होगी एक ऐसे इंडियन सोल्जर से जुड़ी जो दुनिया की हर एक शक्ति से सामना करने को हो जाएगा तैयार और हर बार लेगा सच्चाई का साथ बार बार। मूवी के पोस्टर में उन्होंने रैम्बो की ओरिजिनल पोस्ट भी हूबहू सेम की है, जिसमें उनके और सिल्वेस्टर स्टैलोन के बाल सेम है, लुक सेम है, बॉडी सेम है और यहाँ तक कि उनका पहना हुआ गले का धागा भी ब्लैक कलर का सेम ही है। रैम्बो दरअसल काफी होशियार व्यक्ति है, जिसमें ताकत के साथ साथ काफी ज्यादा दिमाग भी है और इसीलिए रैम्बो सच्चाई की जीत के लिए दुनिया के हर एक विलेन को हराने की पूरी कोशिश करता है। मैम, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। कौन है? मर्सिलेस असासिन, ट्रेन किलर। बॉलीवुड का रैम्बो हॉलीवुड और नॉवेल से कितना अलग होगा?
रैम्बो का ऑन स्क्रीन वर्जन ओरिजिनल नॉवल से कितना हटके रहा था। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। रैम्बो एक आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसे लगभग पूरी दुनिया के लोग हॉलीवुड फिल्म वर्जन की वजह से ही जानते हैं। ये फिल्म 1972 की नॉवल फर्स्ट ब्लड पर बेस्ड थी, पर नॉवल और फिल्म के रैम्बो कैरेक्टर में काफी अंतर रहे थे, जो बढ़ते बढ़ते अब इतने बढ़ गए हैं कि रैम्बो की लास्ट 2019 मूवी में रैम्बो किसी नए किरदार के रूप में इवॉल्व हो चुका है। रैम्बो के तीनों वर्जन में से पहली बात ओरिजिनल नॉवल कैरेक्टर की करते हैं। इस कैरेक्टर को नेचुरली अग्रेसिव और एंग्री लिखा गया था, क्योंकि ये लोकल पुलिस की क्रूरता से परेशान है। इसलिए इस फ्रस्ट्रेशन का असर हमें इसके गुस्से में साफ दिखाई देता है। ये गुस्सा मर्डर करने की ब्रूटल अप्रोच से जस्टिफाई किया जाता है। वहीं अगर फिल्मी रैम्बो की बात करें तो इसे कभी भी इंटरनेशनल किलर की तरह दिखाया नहीं गया, हमेशा इसे विक्टिम की तरह पिच किया गया, जो कि सेल्फ डिफेंस में कत्लेआम मचाता है। और जहां तक बात है इसके बॉलीवुड वर्जन की, तो हमें लगता है कि रैम्बो के दोनों ही ट्रेट्स का मिक्स कैरेक्टर बनाया जा सकता है। इंडियन ऑडियंस अपने हीरो को एग्रेसिव ही देखना पसंद करती है, इसलिए इसमें थोड़ा शेड नॉवल का होगा। वहीं हॉलीवुड रैम्बो स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए इसे थोड़ा विक्टिम भी बनाया जाएगा। इसके बाद है प्रेजेंटेशन, क्योंकि नॉवल और फिल्म अलग अलग मीडियम है, इसलिए नॉवल में कैरेक्टर के डायलॉग नहीं भी होने से कैरेक्टर पोर्ट्रेल का सारा काम असरदार राइटिंग ने कर लिया था। वहीं फिल्मी रैम्बो के भी ज्यादा इंपैक्टफुल डायलॉग रहे नहीं थे, पर यहां कैरेक्टर पोर्ट्रेल और स्टोरी को चलाने का जिम्मा सिल्वेस्टर स्टेलोन के एक्टिंग स्किल्स, एक्सप्रेशन गेम और फिल्म की कमाल की सिनेमेटोग्राफी पे आ गया था। पर जब बॉलीवुड अपना रैम्बो पेश करेगा तो बिना डायलॉग के कहां काम चल पाएगा, खासकर टाइगर की मूवी और हीरो वाले डायलॉग्स ना हो, ऐसा तो खुद मेकर्स को भी ना गवारा होगा। हमें देसी रैम्बो की साइड से काफी फिल्मी डायलॉग सुनने को जरूर मिलेंगे, चाहे वो बागी 3 के डायलॉग हदें और सरहदें पार कर दी लेवल के ही क्यों ना हो। नॉवल की स्टोरी भी काफी अलग रही थी, जहां रैम्बो और विलन को इक्वल टाइम दिया गया था। वहीं जाहिर सी बात, मदद लेते टाइगर बॉडी डबल्स का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। टाइगर के तड़कते भड़कते उन एक्शन सीन की जिनकी लोग तारीफ करते नहीं थकते, कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि वो सीन वो खुद ही नहीं करते? जाहिर है बहुत बुरा लगेगा। देखिए भाई, नाम बड़ा और दर्शन छोटे, अब ऐसा कुछ मत बोलने लगिएगा, क्योंकि सिर्फ टाइगर ही नहीं, हर कोई ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। असल में इस टेक्निक का नाम है बॉडी डबल, जिसमें एक दूसरा शख्स जो स्टंट में अच्छा होता है वो इन एक्ट्रेस के लिए स्टंट करता है। लेकिन अब सच बात ये है कि टाइगर किसी भी स्टंट के लिए किसी भी बॉडी डबल की मदद नहीं लेते हैं। टाइगर श्रॉफ की फिल्म अ फ्लाइंग जट में बच्चों को इनके एक्शन बेहद पसंद आए थे। फिल्म में उन्होंने जमकर स्टंट्स किए थे। अब टाइगर की बागी फ्रेंचाइजी की 3 फिल्में हो, या हीरोपंती हो, वॉर हो, या आने वाली बागी 4 या फिल्म रैम्बो, सभी में टाइगर खुद स्टंट करने वाले हैं। क्योंकि टाइगर का कहना है कि एक सच्चा एक्टर वही है जो अपने सारे किरदारों को रियल में नहीं बल्कि रील में भी खुद ही निभाता है। आपको बता दे, टाइगर अन्य कलाकारों से इस लिहाज में अलग हैं। वो स्टंट के लिए किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करते। टाइगर से जब इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हीरो के रूप में उन्हें पेमेंट मिलती है, और वो इस बात से बेहद खुश रहते हैं कि उन्हें उनका सैटिस्फाइड पेमेंट मिलता है। फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति की जान जोखिम में क्यों डाल। नौरा ने टाइगर की किस फिल्म को ना बोला? क्या रैम्बो के लिए नौरा भरेगी हामी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। पिछले कुछ समय पहले टाइगर श्रॉफ की नई एक्शन फिल्म गणपत और रैम्बो का ऐलान हुआ है। फिल्म गणपत में नौरा फतेह को लेकर भी चर्चा थी। लगातार ये सामने आ रहा था कि नौरा फतेह भी टाइगर श्रॉफ के साथ मिलकर काम करने जा रही है। लेकिन अब बता दें कि नौरा फतेह ने गणपत फिल्म को ठुकरा दिया है।
वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। नौरा ने इस फिल्म को शुरुआत में ही रिजेक्ट कर दिया था जब उन्हें अप्रोच करने की बात चली थी। कहा गया कि वो अपने किरदार की लेंथ से सहमत नहीं है। सालों की मेहनत, स्ट्रगल और जुनून के बाद नौरा फतेह ने इंडस्ट्री में जगह हासिल की है। ऐसे में वो आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को सोच समझ कर हाँ बोलती हैं। बता दें कि नौरा को गणपत फिल्म में जो रोल ऑफर हुआ था उसके लिए वो खुद को फिट नहीं मानती। उन्हें लगता था कि वो इस किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने काफी समय पहले ही इस फिल्म को ठुकरा दिया था। अभी भी जो खबरें नौरा फतेही को लेकर फिल्म गणपत की हैं, वो सब अफवाहें हैं। नौरा फतेही को स्क्रीन पर आखिरी बार वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्ट्रीट डांस 3D में देखा गया था। उन्होंने अपने टैलेंट से फैंस को खुश कर दिया था। इसके बाद उन्हें सलमान खान के रियलिटी शो में भी देखा गया, जहां उन्होंने खूब धमाल मचाया। वो बिग बॉस की ट्रॉफी पर अपना नाम तो नहीं जमा पाई, लेकिन चर्चा खूब बटोरी थी। नौरा फतेही ने इस बीच ढेर सारे म्यूजिक एल्बम्स किए हैं, जिसमें से पछताओगे सॉन्ग खूब हिट हुआ था। नौरा के डांस और दर्द ने सभी को अट्रैक्ट किया था। अब सिल्वेस्टर स्टेलोन ने टाइगर को, इंडियन सिनेमा पर किसने उठाया सवाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दमदार एक्शन करने के बाद टाइगर श्रॉफ अब जल्द ही एक और एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। वो हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन की सुपर हिट फिल्म रैम्बो के रिमेक में दिखाई देने वाले हैं। इस खबर को सुनकर असली रैम्बो यानी सिल्वेस्टर स्टेलोन ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने हाल ही में पढ़ा है कि भारत में रैम्बो का रीमेक बनाने जा रहे हैं। अच्छा है, मुझे आशा है कि वो इसे बर्बाद नहीं करेंगे। दरअसल रैम्बो में सिल्वेस्टर स्टेलोन ने लीड रोल निभाया था, और शायद वो मानते हैं कि उनसे ज्यादा अच्छे से इस रोल को पर्दे पर कोई भी नहीं निभा सकता, इसलिए उन्होंने ऐसा पोस्ट किया था। लेकिन शायद उनके कहने का मतलब वो नहीं था, बस वो सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाए। कई लोगों का मानना है कि इसे साफ हो गया है कि सिल्वेस्टर ने भारतीय फिल्मों की काबिलियत पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। इसके बाद जब सिल्वेस्टर के इस पोस्ट को लेकर खबरें बनने लगी, तो सिल्वेस्टर ने हाल ही में एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सफाई देते हुए लिखा कि कुछ लोग शब्दों को घुमा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने टाइगर को भी फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बता दें, पहले इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ मल्होत्रा में से किसी एक का नाम फाइनल करने की बात की जा रही थी, लेकिन टाइगर ने इन दोनों को पछाड़ दिया। टाइगर इस फिल्म को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिल्वेस्टर स्टेलोन का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। बता दें कि ओरिजिनल फिल्म की शूटिंग चियांग माई थाईलैंड के अतिरिक्त मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में की गई थी। अब जब इसका रीमेक तैयार हो रहा है, तो उसकी भी शूटिंग इन्हीं जगहों पर की जाने वाली है। I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील पे गए बालाज। तो कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. ओरिजिनल रैम्बो की शूटिंग कहां हुई थी? सिल्वेस्टर स्टेलोन ने फिल्म की शूटिंग को लेकर क्या शेयर किया? क्या रैम्बो का रीमेक ओरिजिनल को टक्कर दे पाएगा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। रैम्बो वर्ष 2008 की अमेरिकी जर्मन भाषी एक स्वतंत्र एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और कहानी पर खुद काम किया था सिल्वेस्टर स्टेलोन ने। ये फिल्म शीत युद्ध यानी वियतनाम युद्ध के पूर्व सिपाही जॉन रैम्बो की कहानी थी, जिसमें हद से ज्यादा एक्शन सीन था। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी की चौथी और आखिरी फिल्म थी जो रैम्बो 3 के 20 साल बाद रिलीज हुई। ये फिल्म रिचर्ड क्रेना को बतौर श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने पिछले तीन सीरीज में कर्नल रोम ट्रॉटमैन का किरदार निभाया था। साल 2003 में उनका हार्ट फेल होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। जैसा हमने पहले बताया कि फिल्म एक पूर्व अमेरिकी विशेष सैन्य दस्ते के फौजी जॉन रैम्बो के इर्द गिर्द है, जो एक चर्च पादरी के कहने पर मिशनरियों के समूह को बचाने निकल पड़ता है, जिनको बर्मा के क्रूर शासित मिलिट्री के आदमियों ने अगवा कर लिया होता है। अब इसी फिल्म पर इंडिया में इसका रीमेक होने जा रहा है, जिसमें टाइगर श्रॉफ रैम्बो की भूमिका निभाने वाले हैं, जो ओरिजिनल फिल्म में सिल्वेस्टर स्टेलोन ने निभाई थी।
बता दें कि ओरिजिनल फिल्म की शूटिंग चियांग मई थाईलैंड के अतिरिक्त मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में की गई थी। अब जब इसका रीमेक तैयार हो रहा है तो अब उसकी शूटिंग इन्हीं जगहों पर की जाने वाली है। हालांकि कोरोना के चलते किन्हीं जगहों पर जाना उचित नहीं है, इसलिए रैम्बो टीम इसका कोई विकल्प जरूर ढूंढेगी। लेकिन रैम्बो की ओरिजिनल फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनी थी। सिल्वेस्टर स्टालोन बताते हैं कि शूटिंग के दौरान बर्मा के पास हम सब बर्मी सैनिकों की गोलियों से बाल I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील्ड में गए बालाज। तो कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अभी फाइट तेरी मौत से खत्म। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है। कौन है टाइगर श्रॉफ का हेयर स्टाइलिस्ट? टाइगर श्रॉफ का क्या रिश्ता है छोटे गांव के लड़के से? कौन होगा रैम्बो में हेयर स्टाइलिस्ट? दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में, और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश और फिट एक्टर्स में से एक है। स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, लुक के साथ साथ टाइगर श्रॉफ की फिटनेस का हर कोई दीवाना है। वॉर 2, बागी 4 और रैम्बो मूवी की शूटिंग कुछ ही दिनों में शुरू हो रही है, जिसमें कभी कूल तो कभी रफ एंड टफ कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं टाइगर श्रॉफ। लेकिन आपको तो पता ही है कि ये सब कैसे मुमकिन है। ये सब मुमकिन है उनके डिजाइनर हेयर स्टाइलिस्ट की वजह से। आपको बता दें कि आपका हेयर स्टाइल काफी हद तक लुक को चेंज करने में अहम रोल निभाता है। बागी और वॉर मूवी में टाइगर की हेयर स्टाइल के पीछे हाथ एक ऐसे लड़के का है जो 7वीं क्लास में फेल हो गया था, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़े थे। उसने माया नदी मुंबई में जाकर सपनों को पूरा करने का लक्ष्य बनाया, और आज वही 7वीं फेल बच्चा टाइगर श्रॉफ का पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट है, और यही रैम्बो में भी टाइगर के बाल बनाते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ के पर्सनल और सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट अमित यशवंत की। अमित ने बताया कि वो रत्नागिरी के रहने वाले हैं और वो 7वीं क्लास में फेल हो गए थे। उसके बाद कोई ऑप्शन उनके हाथ में नहीं था, और पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने बाल काटने के काम को चुना, और गांव में ही एक छोटी सी दुकान पर 5 रुपए में सिर्फ 5 रुपए में कटिंग और शेविंग के काम शुरू किए। फिर मुंबई जाकर उन्होंने श्रॉफ का प्रभास के नाम पर क्यों खलक हूँ? टाइगर श्रॉफ ने क्या कहा अपनी प्रेरणा के बारे में? अभी कुछ ही दिन पहले बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म रैम्बो रीमेक को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ की इस धासु एक्शन एंटरटेनर फिल्म में साउथ फिल्म स्टार प्रभास की एंट्री होने वाली है। कहा जा रहा था कि टाइगर श्रॉफ के बिजी शेड्यूल के वजह से फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद उनकी जगह साउथ फिल्म स्टार प्रभास को फिल्म के लिए अप्रोच कर रहे हैं। यही नहीं, सुनने में आया था कि फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के लिए प्रभास की पैन इंडिया इमेज का भी फायदा उठाना चाहते हैं, इसी वजह से उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था। इन खबरों से फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ के फैंस के बीच हलचल मच गई थी। टाइगर के उन फैंस को इन वायरल खबरों से करारा झटका लगा था, जो उन्हें सिल्वेस्टर स्टेलोन के रोल में एकदम फिट देखते थे। ऐसे में बीते दिनों सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर खासा बज रहा था। लेकिन पिक्चर क्या अभी तो शूटिंग भी बाकी है मेरे दोस्त। बता दें कि इस पर खुद फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि ये खबरें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब सिर्फ अफवाह है। बता दें कि जाहिर है आप किसी को बचपन से देखते आए हैं या सुनते आए हैं, और ऊपर से वो आपकी इंस्पिरेशन भी हो, इत्तेफाक से आपको उसका किरदार रियल लाइफ में करने को मिल रहा हो, तो इससे ज्यादा आप क्या किसी से मांगेंगे। और फिर जब इसी रोल पर कोई I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील्ड में गए बालाज। तो कौन है? Merciless assassin. Train killer.
ट्रू पेट्रियट। इंडियन सिनेमा पर किसने उठाया सवाल, क्यों नहीं मदद लेते टाइगर बॉडी डबल की, बॉलीवुड की किस सच्चाई से रूबरू कराया टाइगर ने। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फ्रेश न्यू वीडियो में और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। दोस्तों, फिल्मों में अक्सर बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी डबल का मतलब ही होता है डुप्लीकेट व्यक्ति, जो फिल्म के कुछ मुश्किल सीन्स एक्ट्रेस के बदले उस व्यक्ति से कराए जाते हैं। बॉडी डबल का उपयोग ज्यादातर स्टंट सीन्स और न्यूड सीन्स में किया जाता है। स्टंट खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसीलिए बहुत से एक्टर्स सुरक्षा के लिहाज से बॉडी डबल का उपयोग करते हैं। वही बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो न्यूड और हॉट सीन्स परफॉर्म नहीं करना चाहती, इसलिए वो लोग बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कब हुआ बॉडी डबल का प्रयोग? तो बता दें, टाइगर के धड़कते भड़कते उन एक्शन सीन में जिनकी लोग तारीफें करते नहीं थकते। लेकिन कैसा लगेगा जब आपको पता लगे कि ये सीन वो खुद नहीं करते? बताओ, बुरा लगेगा ना? जाहिर सी बात है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब प्लीज ऐसा कुछ मत बोलने लग जाना। सिर्फ टाइगर ही नहीं, हर कोई करता है ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल। असल में इस तकनीक का नाम ही है बॉडी डबल, जिसमें एक दूसरा व्यक्ति जो स्टंट में अच्छा होता है वो इन एक्ट्रेस के लिए स्टंट करता है, जो पूरी एहतियात से करवाए जाते हैं। लेकिन अब सच बात तो यह है कि टाइगर किसी भी स्टंट के लिए किसी भी बॉडी डबल की मदद नहीं लेते हैं, सीधा सीधा उन्होंने बॉडी डबल के पेट पर लात मारी है। आपको बता दें कि टाइगर अन्य कलाकारों से इस लिहाज से काफी अलग है कि वो स्टंट के लिए किसी भी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करते। टाइगर से जब इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हीरो के रूप में उन्हें पेमेंट मिलती है और वो इस बात से बेहद खुश रहते हैं कि उन्हें उनका सेटिस्फाइड पेमेंट मिल जाते हैं। फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति की जान जोखिम में क्यों डाले जिनकी कमाई उनसे बेहद कम है? वो बताते हैं कि जिस इंडस्ट्री का वो हिस्सा है, ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि बॉडी डबल्स की जिंदगी यहाँ कितनी कठिन होती है। यही वजह है कि वो हीरो होते हुए भी अपने स्टंट्स खुद ही करते हैं। वैसे रैम्बो की कहानी या किरदारों की बात करें तो उनकी फिल्म में वो मिशनरियों से लड़ते दिखने वाले हैं। रैम्बो बेशक एक रीमेक होगी, लेकिन इसकी कहानी को पूरी तरह से कॉपी नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें थोड़ा तोड़ मरोड़ किया जाएगा। बता दें, यह हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन की सुपरहिट फिल्म रैम्बो के हिंदी रीमेक में दिखाई देने वाला है। इस खबर को सुनकर असली रैम्बो यानी सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैंने हाल ही में पढ़ा कि भारत में रैम्बो का रीमेक बनने जा रहा है। अच्छा है, मुझे आशा है कि वो इसे बर्बाद नहीं करेंगे। अब कई लोगों का मानना है कि इससे साफ हो गया है कि सिल्वेस्टर ने भारतीय फिल्मों की काबिलियत पर बड़ा सवाल उठाया है। इसके बाद सिल्वेस्टर के इस पोस्ट को लेकर जब खबरें बनने लगी तो उन्होंने हाल ही में एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सफाई देते हुए लिखा, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील्ड में गए बालाज। तो कौन है? Merciless assassin. Trained killer. A true patriot. टाइगर श्रॉफ का प्रभास के नाम पर क्यों खौला खून? टाइगर ने क्या कहा अपनी प्रेरणा के बारे में? टाइगर फैंस कैसे हुए शांत? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। अभी कुछ ही दिन पहले बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म रैम्बो रीमेक को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ की इस धांसू एक्शन एंटरटेनर फिल्म में साउथ फिल्म स्टार प्रभास की एंट्री होने वाली है। कहा जा रहा था कि टाइगर श्रॉफ के बिजी शेड्यूल की वजह से फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की जगह साउथ फिल्म स्टार प्रभास को फिल्म के लिए अप्रोच कर रहे हैं। यही नहीं, सुनने में आया था कि फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के लिए प्रभास की पैन इंडिया इमेज का भी फायदा उठाना चाहते हैं, इसी वजह से उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था। इन खबरों से फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ के फैंस के बीच हलचल मच गई थी। टाइगर के उन फैंस को इन वायरल खबरों से करारा झटका लगा था, जो उन्हें सिल्वेस्टर स्टैलोन के रोल में एकदम फिट देखते हैं। ऐसे में बीते दिनों सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर खासा बज रहा था। लेकिन पिक्चर क्या अभी तो शूटिंग भी बाकी है मेरे दोस्त। बता दें कि इस पर खुद फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि ये खबरें सुनकर मेरे होश उड़ गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब सिर्फ अफवाहें। बता दें कि जाहिर है आप किसी को बचपन से देखते आए हैं या सुनते आए हैं और ऊपर से वो आपकी इंस्पिरेशन भी हो, इत्तेफाकन आपको उसका किरदार रियल लाइफ में करने को मिल रहा हो, तो इससे ज्यादा आपकी क्या मांग
मांगेंगे और फिर जब इसी रोल पर कोई और आकर दावे करने लगे तो जाहिर है खून तो खौलेगा ही। और ऐसा ही हुआ टाइगर श्रॉफ के साथ। पर खैर अब सब कुछ ठीक है, सारी गलत फहमियां ठीक हो गई हैं और ये पक्का है कि टाइगर श्रॉफ इस फिल्म के रीमेक में काम करेंगे। साथ ही बता दें कि खुद बागी स्टार टाइगर सिल्वेस्टर स्टालोन के किरदार को पर्दे पर निभाने के लिए काफी एक्साइटेड है। सिल्वेस्टर स्टालोन के इस किरदार को वो एकदम देसी अंदाज में लेकर दर्शकों के बीच पहुंचने वाले हैं। इसके लिए टाइगर श्रॉफ ने खासा मेहनत भी की है। अपने इस किरदार के बारे में बताते हुए टाइगर ने कहा, क्यों नहीं, ये शानदार होगा। अभी मैं मिस्टर स्टालोन के रोल को निभाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। क्यों नहीं बन रही रैम्बो, क्यों किया था टाइगर को रिप्लेस, कहाँ बिजी हैं टाइगर सिद्धार्थ, जानने हैं सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट अनविदा पाठक और स्वागत करती हूँ आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों इस बात को लगभग 4 साल होने को आए जब टाइगर श्रॉफ को लेकर रैम्बो का ऑफिशियल हिंदी रीमेक रैम्बो नाम से ही बनाने की अनाउंसमेंट की गई थी। टाइगर के फैंस इस खबर को जानकर ही खुशी से झूम उठे थे। ओरिजिनल रैम्बो के रैम्बो सिल्वेस्टर स्टालोन ने इस फिल्म के लिए खुद शुभकामनाएं भेजी थी। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया था, लेकिन बात पोस्टर से आगे नहीं बढ़ पाई। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने बताया था कि ये एक बड़े बजट की फिल्म है जिसमें धुआंधार एक्शन होगा, इसलिए तैयारियों में वक्त लगेगा। तो सभी ये बात मान गए, लेकिन जब महीनों बीतने के बाद भी रैम्बो को लेकर कोई हलचल नहीं मची तो टाइगर के फैंस चिंता में पड़ गए। उनकी चिंताओं की लकीरें तब और गहरी हो गई जब टाइगर को लेकर सिद्धार्थ आनंद ने वॉर नामक फिल्म शुरू कर दी। कहा गया कि वॉर के बाद रैम्बो का काम शुरू होगा। वॉर बनकर रिलीज होकर सुपरहिट भी हो गई और वक्त भी गुजर गया। इसी बीच कुछ ऐसी खबरें आईं जिससे रैम्बो के बनने पर प्रश्न चिन्ह लग गए। ये खबरें इस प्रकार थी। पहली खबर, सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख खान, जॉन अब्राहिम और दीपिका पादुकोण के साथ पठान फिल्म शुरू कर दी। दूसरी खबर, टाइगर श्रॉफ को लेकर हीरोपंती 2, गणपत जैसी कुछ फिल्में अनाउंस हो गई, रैम्बो का कहीं फिर भी कोई जिक्र नहीं हुआ। तीसरी खबर, ये बात भी सामने आई कि रैम्बो से टाइगर को हटाकर प्रभास को ले लिया गया है ताकि फिल्म साउथ इंडिया में भी अच्छा व्यवसाय कर सके। और चौथी खबर, कुछ महीनों पहले ये खबर आई कि फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ की बजाय अब रोहित धवन करेंगे। दूसरी ओर सिद्धार्थ कहते रहे कि फिल्म जल्द ही शुरू होने वाली है। इसी बीच बॉलीवुड में लगातार खबरें उड़ती रहीं कि ये फिल्म बंद हो गई है। टाइगर श्रॉफ, मैम, आई प्रॉमिस यू माय बेस्ट मैन विल बी ऑन द जॉब। आई हैव अ रिक्वेस्ट, मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। तू कौन है? मर्सीलेस असासिन, ट्रेन किलर, अ ट्रू पेट्रियट। अब यह फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूं, तू दे सकता है। दुआ बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। एक को 10-10 मिलके मार रहे हैं, ये तो मुंबई में होता है। अबे चुपचाप निकल जा यहां से, हमारे झगड़े में ना पड़। अभी तक तो नहीं सोचा था, अब मानना ही पड़ेगा। क्या फितरत, इस साले को तो मैं पर्सनली मारूंगा। We'll be right back.
कैसाद कपाड़िया और टाइगर ने क्यों शेयर की कैसाद कपाड़िया की पोस्ट, टाइगर किन फिल्मों में आने वाले हैं नजर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी एक्टिंग के लिए भले ही लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए हों, लेकिन दोस्तों उनकी बॉडी और फिटनेस के चलते टाइगर के फैंस उन पर मरते हैं। टाइगर की फिटनेस के पीछे टाइगर की मेहनत के अलावा उनके ट्रेनर कायजाद कपाड़िया का भी हाथ है। बुधवार को टाइगर को एक बड़ा झटका लगा क्योंकि दोस्तों उनके गुरु कायजाद कपाड़िया का निधन हो गया था और इससे टाइगर को बेहद सदमा लगा है। कायजाद कपाड़िया की मुंबई में अपनी फिटनेस एकेडमी है और दोस्तों कायजाद कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फिटनेस ट्रेनर रह चुके हैं। कायजाद के निधन से टाइगर को बहुत बड़ा सदमा लगा है और दोस्तों बता दूं कि कायजाद के निधन पर टाइगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी लगाई है। स्टोरी शेयर करते हुए टाइगर ने लिखा, रेस्ट इन पावर कायजाद सर। आप समझ सकते हैं कि जिस शख्स के लिए टाइगर लिख रहे हैं वो उनके जीवन में कितना मायने रखते होंगे। उनके निधन के बाद दोस्तों टाइगर के फैंस भी कायजाद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर टाइगर के वर्क फ्रेंड की बात करें तो टाइगर की कई फिल्में पूरी तरह से रिलीज होने को तैयार हैं। इसमें से एक गणपत पार्ट 1 है जिसमें उनके साथ कृति सैनन नजर आएंगी। वहीं दोस्तों दूसरी फिल्म हीरोपंती 2 है जिसमें उनका साथ देने के लिए तारा सुतारिया हैं और दोस्तों रैम्बो में भी टाइगर दिखने वाले हैं, जो कि ओरिजिनल रैम्बो फिल्म का इंडिया में रीमेक होने जा रहा है जिसमें टाइगर श्रॉफ रैम्बो की भूमिका निभाने वाले हैं जो ओरिजिनली फिल्म में सिल्वेस्टर स्टैलन ने निभाई थी। बता दें कि ओरिजिनल फिल्म की शूटिंग चियांग माई थाईलैंड के अतिरिक्त मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में की गई थी और अब जिसका दोस्तों रीमेक तैयार हो रहा है तो उसकी भी शूटिंग इन्हीं जगहों पर ही की जाने वाली है। इसके अलावा गणपत अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। तो वहीं दोस्तों हीरोपंती 2 अगले साल मई के महीने में 6 तारीख को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आपको बता दें कि टाइगर आज जो कुछ भी हैं, उन्हें जो भी मार्शल आर्ट आती है या वो जितने भी फिट हैं, सभी टाइगर के एक्शन में उनके गुरु कायजाद का ही हाथ था। बेशक वो आज टाइगर के साथ नहीं हो, लेकिन दोस्तों रैम्बो और बाकी एक्शन फिल्मों में हम टाइगर के कायजाद की झलक देखने को। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील पे गए बालाज। तू कौन है? मर्सीलेस असासिन, ट्रेन किलर, अ ट्रू पेट्रियट। नौरा ने टाइगर की कौन सी फिल्म को ना बोला है? क्या रैम्बो के लिए नौरा भरेगी हामी? और दोस्तों रैम्बो की कहानी में नौरा की एंट्री क्यों? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। पिछले कुछ समय पहले टाइगर श्रॉफ की नई एक्शन फिल्म यानी कि गणपत और रैम्बो का ऐलान हुआ था। फिल्म गणपत में नौरा फतेही को लेकर भी चर्चा थी। लगातार ये सामने आ रहा था कि नौरा फतेही भी टाइगर श्रॉफ के साथ मिलकर काम करने जा रही हैं, लेकिन दोस्तों अब बता दें कि नौरा फतेही ने गणपत फिल्म को ठुकरा दिया है। वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी और नौरा फतेही ने इस फिल्म को शुरुआत में ही दोस्तों रिजेक्ट कर दिया था जब उन्हें अप्रोच करने की बात चली थी। कहा गया कि वो अपने किरदार की लेंथ से सहमत नहीं थी और सालों की मेहनत, स्ट्रगल और जुनून के बाद नौरा फतेही ने इंडस्ट्री में जगह हासिल की है। ऐसे में वो आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को सोच समझकर हाँ बोलती हैं। बता दें कि नौरा को गणपत फिल्म में जो रोल ऑफर हुआ था दोस्तों उनके लिए वो बहुत खुद को फिट नहीं मान रही थी। उन्हें लगता था कि वो उस किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने काफी समय पहले ही इस फिल्म को ठुकरा दिया था। अभी भी जो खबरें नौरा फतेही की फिल्म गणपत को लेकर है वो सब अफवाहें हैं। दोस्तों नौरा फतेही को स्क्रीन पर आखिरी बार वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्ट्रीट डांस 3D में देखा गया था और दोस्तों जहां उन्होंने अपने टैलेंट से फैंस को खुश भी कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सलमान खान के रियलिटी शो में भी नौरा फतेही धमाल मचा चुकी हैं। वो बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम बेशक न कर पाई हो, लेकिन दोस्तों चर्चा खूब बटोरी थी। नौरा फतेही ने इस बीच ढेर सारे म्यूजिक एल्बम्स किए हैं जिनमें से दोस्तों पछताओ के सॉन्ग खूब हिट हुआ था। नौरा का डांस और दर्द सभी को अट्रैक्ट किया था और दोस्तों बाद में ट्विस्ट ये है कि बेशक नौरा ने गणपत करने से मना कर दिया हो, लेकिन उन्होंने मैम, आई प्रॉमिस यू माय बेस्ट मैन विल बी ऑन द जॉब। आई हैव अ रिक्वेस्ट, मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील पे गए बालाज। तू कौन है? Merciless assassin, train killer, a true patriot. ये
कैसे करेंगे रैम्बो की कहानी को इंडियन आर्मी से कनेक्ट? क्या कहना है टाइगर का उनके और सिल्वेस्टर के कंपैरिजन के बारे में? क्या बदला टाइगर श्रॉफ ने सिल्वेस्टर के गुस्से को वेल विशेस में? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। टाइगर श्रॉफ स्टारर रैम्बो का पहला पोस्टर, जो इसी नाम से सिल्वेस्टर स्टालोन की हिट एक्शन फिल्म पर आधारित भारतीय रिमेक होने वाली है, का हाल ही में अनावरण किया गया था। टाइगर श्रॉफ आने वाली रिमेक में प्रतिष्ठित एक्शन किरदार रैम्बो का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे, जो पहले बैंग बैंग और वॉर जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। पोस्टर में एक हाई टेक वॉर जोन के बैकग्राउंड में कठोर और सरप्राइजिंग रूप से सख्त दिखने वाले टाइगर को दिखाया गया है। टाइगर ने पोस्टर को ट्विटर पर साझा किया और लिखा, इस किरदार को देखते हुए हम पले बड़े विनम्र हुए और वर्षों बाद मैं इस महान किरदार को निभाने वाला हूँ। एक भारतीय रिमेक की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टालोन ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लिखा, मैंने हाल ही में पढ़ा है कि वो भारत में रैम्बो का रिमेक बना रहे हैं, महान किरदार, आशा है कि वो इस किरदार को बर्बाद नहीं करेंगे। टाइगर श्रॉफ ने स्टालोन के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि आप जिस किरदार को इतनी महानता से निभा चुके हैं उस पर चलने के लिए विनम्र और धन्य हूँ। आप इरिप्लेसिबल हैं और मुझे आशा है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। भारतीय रैम्बो भारतीय सशस्त्र बलों की एक कुलीन गुप्त यूनिट के अंतिम जीवित सदस्य की कहानी दिखाएगा। फिल्म की कहानी में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जब एक सैनिक वापस घर लौटता है तो पाता है कि वहाँ ऑलरेडी एक युद्ध शुरू हो चुका है। खतरनाक जंगलों और हिमालय के जमे हुए पहाड़ों में मजबूर होकर वह तबाही और विनाश को देखता है और वो अजय मशीन बन जाता है, जब वह बनने के लिए ट्रेन किया गया था। रैम्बो फिल्म पर टाइगर श्रॉफ ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका कहना है कि एक मार्शल आर्टिस्ट और बचपन से ही एक्शन फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन होने के नाते यह सब बहुत ही वास्तविक लगता है और मैं इस अवसर के लिए बहुत आभारी हूँ। किसी भी तरह से मुझे विश्वास नहीं है कि मैं महान सिल्वेस्टर स्टालोन की जगह ले सकता हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि किसी तरह यह सब चीज जिसकी मैं बचपन से तैयारी कर रहा था। ये कहना है टाइगर श्रॉफ का अपने किरदार के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, रैम्बो का निर्देशन करने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद। उन्होंने भी इस फिल्म को लेकर कुछ खास बातें कही हैं। उनका कहना है कि रैम्बो मेरी पीढ़ी की सबसे प्रतिष्ठित एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। मैंने शेयर किया टाइगर ने, कहां हुई थी ओरिजिनल रैम्बो की शूटिंग, रैम्बो रीमेक में कैसे मैनेज किया जाएगा वॉर के सीन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। टाइगर श्रॉफ ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि एक माचो मैन भी विषम परिस्थितियों में झुक सकता है। गुरुवार को बॉलीवुड के एक्शन स्टार ने फनी वे में इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो क्लिप पोस्ट किए, जिसमें वो स्टंट सीन के लिए बार बार रीटेक दे रहे हैं। पहली क्लिप में शर्टलेस टाइगर सेट तेज हवा के कारण सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनका पूरा सीन बार बार रीटेक पर चला जाता है। वहीं दूसरे में वो शून्य से नीचे के तापमान के बीच अपनी शर्ट को फाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। दोनों वीडियो क्लिप फिल्म रैम्बो के किए जाने वाले एक्शन स्टंट की एक रिहर्सल है, जिसमें बार बार टाइगर एक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार फेल हुए जा रहे हैं। बता दें, रैम्बो फिल्म में हमें टाइगर एक्शन के 5 गुना मोड में नजर आने वाले हैं। टाइगर की रैम्बो पर ज्यादा बात करने से पहले ओरिजिनल फिल्म रैम्बो की बात कर लेते हैं। बता दें कि इस फिल्म में रैम्बो की भूमिका निभाने वाले सिल्वेस्टर स्टालोन ने अपनी एक्टिंग में एक्शन के साथ साथ इमोशन का भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया था और इस फिल्म में उनके साथ अभिनय किया है कर्नल सैमुअल और जॉर्जमैन के रूप में रिचर्ड ट्रेना ने। विल टीजर को ब्रायन डेनहाई ने निभाया, बाकी अन्य कलाकारों ने इस फिल्म को सुपर हिट फिल्म में बदल दिया। इनकी एक्टिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक
हर काम परफेक्ट हुआ। फिल्म की शूटिंग कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया की एक छोटी सी शहर होप और उसके आसपास के एरिया में हुई थी। फिल्म की पूरी शूटिंग महज एक साल में पूरी कर ली गई थी। इतना ही नहीं, अब बॉलीवुड में इसका रैम्बो नाम से रीमेक बनने जा रहा है, जिसमें टाइगर श्रॉफ सिल्वेस्टर स्टालोन के किरदार को निभाएंगे। अब Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील्ड पे गए बालाज। तो कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. I'll be a fight for him one second. मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है, तू आ। इंडियन सिनेमा पर किसने उठाए सवाल? क्या कहा सिल्वेस्टर स्टालोन ने टाइगर को? क्या टाइगर कर पाएंगे इंसाफ इस किरदार के साथ? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट पंकज। दमदार एक्शन करने के बाद टाइगर श्रॉफ अब जल्द ही एक और एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। वो हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टालोन की सुपरहिट फिल्म रैम्बो के हिंदी रीमेक में दिखाई देंगे। इस खबर को सुनकर असली रैम्बो यानी कि सिल्वेस्टर स्टालोन ने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने हाल ही में पढ़ा कि भारत में रैम्बो का रीमेक बनने जा रहा है। अच्छा है, मुझे आशा है कि वो इसे बर्बाद नहीं करेंगे। दरअसल रैम्बो में सिल्वेस्टर स्टालोन ने लीड रोल निभाया था और शायद वो मानते हैं कि उनसे ज्यादा अच्छे से इस रोल को पर्दे पर कोई निभा ही नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने ऐसा पोस्ट किया था। लेकिन शायद उनके कहने का मतलब वो नहीं था, बस वो सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाए। कई लोगों का मानना है कि इससे साफ हो गया कि सिल्वेस्टर ने भारतीय फिल्मों की काबिलियत पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। इसके बाद जब सिल्वेस्टर के इस पोस्ट को लेकर खबरें बनने लगी, तो सिल्वेस्टर हाल ही में फिर से पोस्ट करने आए और उन्होंने सफाई दी, लिखा, कुछ लोग शब्दों को घुमा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने टाइगर को भी फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें, पहले इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद में से किसी को लिया जाना था, लेकिन टाइगर ने बाजी मार ली। टाइगर इस फिल्म को लेकर बहुत खुश है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सिल्वेस्टर स्टालोन का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। बता दें कि ओरिजिनल फिल्म की शूटिंग चियांग माई थाईलैंड के अतिरिक्त मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में की गई थी। अब जब इसका रीमेक तैयार हो रहा है तो उसकी भी शूटिंग इन्हीं जगहों पर होनी चाहिए। हालांकि कोरोना के चलते किन्हीं जगहों पर जाना उचित नहीं है, इसलिए रैम्बो टीम इसका कोई विकल्प जरूर ढूंढेगी। लेकिन रैम्बो की ओरिजिनल फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनी थी। सिल्वेस्टर स्टालोन बताते हैं कि शूटिंग के दौरान वर्मा के पास हम सब बर्मी सैनिकों की गोलियों से बाल बाल बचे। स्टालोन अपनी आपबीती काफी अच्छे से बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सिरों के ऊपर से गोलियां गुजरी तथा उन्होंने कटी हुई टांगों तथा बारूदी सुरंगों से लगने वाली सभी प्रकार की चोटों, जले हुए जख्मों तथा कटे हुए कानों वाले लोगों को भी देखा। शूटिंग के दौरान सच में देखा। भाई टाइगर, तुम मत जाना वहाँ, इस देश में वैसे भी टाइगर की कमी है, हम एक और नहीं खो सकते। आपको बता दें कि एक्शन फिल्म रैम्बो सिल्वेस्टर की फिल्म थी और अब इसका रीमेक इंडिया में बनने जा रहा है, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। एम कैपिटल वेंचर्स ओरिजिनल एंटरटेनमेंट। ओरिजिनल रैम्बो की शूटिंग कहाँ हुई थी? सिल्वेस्टर स्टालोन ने फिल्म की शूटिंग को लेकर क्या शेयर किया? क्या रीमेक ओरिजिनल को टक्कर दे पाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। रैम्बो फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी, जो अमेरिकी जर्मन भाषी एक स्वतंत्र एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और कहानी पर खुद काम किया था सिल्वेस्टर स्टालोन ने। यह फिल्म कोल्ड वॉर वियतनाम युद्ध पर बेस्ड है, जिसमें पूर्व सिपाही जॉन रैम्बो की कहानी हमें देखने को मिली थी, जिसमें हद से ज्यादा एक्शन सीन था। यह रैम्बो फ्रेंचाइजी की चौथी और आखिरी फिल्म थी जो रैम्बो की 20 साल बाद रिलीज हुई थी।
दोस्तों आपको बता दूं, यह फिल्म रिचर्ड क्रेनो को बतौर श्रद्धांजलि के तौर पर अर्पित की गई थी, जिन्होंने पिछली 3 सीरीज में कर्नल सैम की भूमिका निभाई थी और साल 2003 में उनका हार्ट फेल हो जाने की वजह से निधन हो गया था। जैसा हमने पहले बताया कि फिल्म एक पूर्व अमेरिकी विशेष सैन्य दस्ते के फौजी जॉन रैम्बो के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि एक चर्च पादरी के कहने पर मिशनारियों के समूह को बचाने निकल पड़ता है, जिसको बर्मा के क्रूर शासित मिलिट्री के आदमियों ने अगवा कर लिया होता है। अब इसी फिल्म पर इंडिया में इसका रीमेक बनने जा रहा है, जिसमें टाइगर श्रॉफ रैम्बो की भूमिका में दिखेंगे, जो ओरिजिनल फिल्म सिल्वेस्टर स्टैलोन ने निभाई थी। आपको बता दें, ओरिजिनल फिल्म की शूटिंग चियांग माई थाईलैंड के अतिरिक्त मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में की गई थी। अब इसका रीमेक तैयार हो रहा है, तो उसकी भी शूटिंग इन्हीं जगहों पर की जाने वाली है। हालांकि कोरोना के चलते किन्हीं जगहों पर जाना उचित नहीं है, इसीलिए रैम्बो की टीम इसका कोई दूसरा विकल्प जरूर ढूंढेगी। लेकिन रैम्बो की ओरिजिनल फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनी थी। सिल्वेस्टर स्टैलोन बताते हैं कि शूटिंग के दौरान बर्मा के पास हम सब बर्मी सैनिकों की गोलियों से बार बार बचे थे। स्टैलोन अपने आप बीती काफी अच्छे से बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सिरों के ऊपर से गोलियां गुजरी तथा उन्होंने कटी हुई टांगों तथा बारूदी सुरंगों से लगी हुई सभी प्रकार की चोटों, जले हुए जख्मों तथा कटे हुए कानों वाले लोगों को देखा। शूटिंग के दौरान सच में उन सब लोगों को सिल्वेस्टर ने खुद अपनी आंखों से देखा। भाई टाइगर, तुम तो मत जाना वहां, इस देश में वैसे ही टाइगर की कमी हो रही है, हम एक और को नहीं खोना चाहते। I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल भी गए बाल आज। तू कौन है? Merciless assassin. Trained killer. A true patriot. किसने उठाया सवाल? क्या कहा सिल्वेस्टर स्टैलोन ने टाइगर को? क्या टाइगर कर पाएंगे इंसाफ इस किरदार के साथ? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। भाई दमदार एक्शन करने के बाद टाइगर श्रॉफ अब जल्द ही एक और एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों वो हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन की सुपरहिट फिल्म रैम्बो के हिंदी रीमेक में दिखाई देने वाले हैं। इस खबर को सुनकर असली रैम्बो यानी सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने हाल ही में पढ़ा है कि वो भारत में रैम्बो का रीमेक बनने जा रहा है। अच्छा है, मुझे आशा है कि वो इसे बर्बाद नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों रैम्बो में सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लीड रोल निभाया था, और शायद वो मानते हैं कि उनसे ज्यादा अच्छे से इस रोल को पर्दे पर कोई नहीं निभा सकता, इसलिए उन्होंने ऐसा पोस्ट किया था। लेकिन शायद उनके कहने का मतलब वो नहीं था, बस वो सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाए। कई लोगों का मानना है कि इससे साफ हो गया है कि सिल्वेस्टर ने भारतीय फिल्मों की काबिलियत पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। इसके बाद दोस्तों जब सिल्वेस्टर के इस पोस्ट को लेकर खबरें बनने लगी, सिल्वेस्टर हाल ही में एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सफाई देते हुए लिखा कि कुछ लोग शब्दों को घुमा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने टाइगर को भी इस फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बताते दोस्तों कि पहले इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ मल्होत्रा में से एक का नाम फाइनल करने की बात की जा रही थी, लेकिन टाइगर ने इन दोनों को पछाड़ दिया। टाइगर इस फिल्म को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सिल्वेस्टर स्टैलोन का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। बताते दोस्तों कि ओरिजिनल फिल्म की शूटिंग चियांग माई थाईलैंड के अतिरिक्त मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में की गई थी। अब इसका रीमेक तैयार हो रहा है, तो उसकी भी शूटिंग इन्हीं जगहों पर ही की जाने वाली है। हालांकि दोस्तों कोरोना के चलते किन्हीं जगहों पर जाना उचित नहीं है, इसलिए रैम्बो टीम इसका कोई विकल्प जरूर ढूंढेगी। इन दोस्तों रैम्बो की ओरिजिनल फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनी थी। सिल्वेस्टर स्टैलोन बताते हैं कि शूटिंग के दौरान बर्मा के पास हम सब बर्मी सैनिकों की गोलियों से बाल बाल बचे थे। दोस्तों स्टैलोन अपनी आप बीती काफी कुछ अच्छे से बताते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सिरों के ऊपर से गोलियां गुजरी तथा उन्होंने कटी हुई टांगों तथा बारूदी सुरंगों से लगने वाली सभी प्रकार की चोटें, जले हुए जख्मों तक कटे हुए कानों वाले लोगों को देखा। दोस्तों वो कहते हैं कि भाई टाइगर तुम मत जाना वहां, इन देशों में वैसे ही टाइगर की कमी हो रही है।
रैम्बो से जुड़ी ऐसी क्या खास बातें हैं? ऐसा कौन सा खाना जो रैम्बो के पीछे ही पड़ गया था? और ऐसी कौन सी बात हुई जिसकी वजह से इस फिल्म की शूटिंग बैन हो गई एक शहर में? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राम स्टूडियो। हॉलीवुड की आई हुई फिल्म 1982 में रिलीज की हुई रैम्बो एक बहुत ही चहेती फिल्म है। लोग आज तक इसको देखते आ रहे हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे और इस मूवी की एक बॉलीवुड में एक रीमेक बन रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, इस फिल्म की बॉलीवुड में रीमेक बन रही है। हालांकि काफी सालों से इस रीमेक का जो शुरुआत है वो रुका हुआ है। ऐसा क्यों है, इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक, हम आपको बता पाएंगे। फिलहाल तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ओरिजिनल मूवीज से जुड़ी ऐसी बातें जो शायद आपको चौंका कर रख सकती है। फिल्म में इतना इंटेंस एक्शन, इतना धमाका और इतनी अच्छी स्टोरी थी कि लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। काफी ज्यादा चर्चे में आ गई थी फिल्म। इस फिल्म के बाद ही सिल्वेस्टर को काफी ज्यादा फेम और पहचान मिल गई थी। हालांकि आप ये मानेंगे नहीं, लेकिन फिल्म का पहला कट सिल्वेस्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने तो इस फिल्म की फ्रेंचाइजी लेने की भी काफी हद तक कोशिश की, ताकि उनको जो सीन्स पसंद नहीं है उसको वो खुद ही एडिट करके कट करवा सके। हालांकि बाद में काफी हद तक इस फिल्म को एडिट करके 90 मिनट का तो बना दिया गया, लेकिन उस फिल्म का शायद ये सबसे अच्छा डिसीजन रहा होगा, तभी तो आज तक ये फिल्म इतनी ज्यादा फेमस और इतनी ज्यादा पॉपुलर है। इस फिल्म का सेकेंड पार्ट आया था 2008 में और वो जो फिल्म थी वो बेस्ड थी बर्मा के म्यांमार के शहर में। वहाँ पे इस फिल्म को बैन कर दिया गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया जो शायद वहाँ के लोगों को नहीं देखना पसंद करेंगे और वहाँ की गवर्नमेंट ने मे भी बैन कर दिया हो। फिर भी उसके बाद भी इस फिल्म को ब्रूट रिएक्शन के नाम से बहुत अच्छा माना जाता है। इस फिल्म को एकेडमी अवार्ड्स के लिए इंट्रोड्यूस भी किया गया था। हालांकि ये फिल्म क्रिटिक्स और सिल्वेस्टर दोनों को इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। अब बात अगर सिल्वेस्टर स्टेलोन की फैंस की करें तो उनकी गिनती अनगिनत है। उनके इतने फैंस हैं कि आज भी उनके साथ आकर वो फोटो खिंचाते हैं और बातें करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी भी फैन थी जिनका बाद में एक बात पता चली थी, उन्होंने कहीं पे अपने आप को सिल्वेस्टर स्टेलोन का फैन बताया था, जबकि वो उनकी कोई बड़ी फैन नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो उनकी सबसे बड़ी फैन है। आखिर क्यों? सिर्फ कुछ रीकी बूटियर्स के लिए, क्या ही कहना। वैसे अब हम बाकी बात तो बाद में भी कर सकते हैं, अब हम आने वाली रीमेक फिल्म की बात करें। इस फिल्म का प्रोडक्शन सिद्धार्थ आनंद करने वाले हैं और इस फिल्म का निर्देशन करने वाले हैं रोहित धवन। इस फिल्म की कास्ट टाइगर श्रॉफ जो कि मेन लीड है उनको पहले ही चुन लिया गया था। हालांकि वो भी अपनी दूसरी शूट यानी कि वॉर 2 और हीरो पंटी 2 की शूटिंग में बिजी हैं। फिर उन दोनों की शूटिंग के बाद वो इनके नए लुक्स ट्राई करेंगे इस फिल्म के लिए। अब टाइगर श्रॉफ हो और एक्शन ना हो पूरी रैम्बो फिल्म के लिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बाकी तब तक के लिए मेकर्स और बाकी क्रिटिक्स ऐसा ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी हीरोइन जो कि इस फिल्म के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठे, जो एक्शन हीरोइन तो होगी साथ में एकदम अच्छी स्टोरी भी बता सके। तो तब करेंगे रैम्बो की कहानी को इंडियन आर्मी से कनेक्ट, क्या कहना है टाइगर का उनके और सिल्वेस्टर के कंपैरिजन के बारे में, क्या बदला टाइगर श्रॉफ ने सिल्वेस्टर के गुस्से को वेल विशेस में, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। टाइगर श्रॉफ स्टारर रैम्बो का पहला पोस्टर जो इसी नाम से सिल्वेस्टर स्टालोन की हिट एक्शन फिल्म पर आधारित भारतीय रिमेक होने वाली है का हाल ही में अनावरण किया गया था। टाइगर श्रॉफ इस आने वाली रिमेक में प्रतिष्ठित एक्शन किरदार रैम्बो का किरदार निभा रहे हैं।
फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे, जो पहले बैंग बैंग और वॉर जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। पोस्टर में एक हाई टेक वॉर जोन के बैकग्राउंड में कठोर और सरप्राइजिंग रूप से सख्त दिखने वाले टाइगर को दिखाया गया है। टाइगर ने पोस्टर को ट्विटर पर साझा किया और लिखा, इस किरदार को देखते हुए हम पले बड़े, विनम्र हुए और वर्षों बाद मैं इस महान किरदार को निभाने वाला हूँ। एक भारतीय रिमेक की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लिखा, मैंने हाल ही में पढ़ा है कि वो भारत में रैम्बो का रिमेक बना रहे हैं, महान किरदार, आशा है कि वो इस किरदार को बर्बाद नहीं करेंगे। टाइगर श्रॉफ ने स्टैलोन के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि आप जिस किरदार को इतनी महानता से निभा चुके हैं उस पर चलने के लिए विनम्र और धन्य हूँ। आप इरिप्लेसिबल हैं और मुझे आशा है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। भारतीय रैम्बो भारतीय सशस्त्र बलों की एक कुलीन गुप्त यूनिट के अंतिम जीवित सदस्य की कहानी दिखाएगा। फिल्म की कहानी में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जब एक सैनिक वापस घर लौटता है तो पाता है कि वहाँ ऑलरेडी एक युद्ध शुरू हो चुका है। खतरनाक जंगलों और हिमालय के जमे हुए पहाड़ों में मजबूर होकर वह तबाही और विनाश को देखता है और वो अजय मशीन बन जाता है, जब वह बनने के लिए ट्रेन किया गया था। रैम्बो फिल्म पर टाइगर श्रॉफ ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका कहना है कि एक मार्शल आर्टिस्ट और बचपन से ही एक्शन फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन होने के नाते यह सब बहुत ही वास्तविक लगता है और मैं इस अवसर के लिए बहुत आभारी हूँ। किसी भी तरह से मुझे विश्वास नहीं है कि मैं महान सिल्वेस्टर स्टैलोन की जगह ले सकता हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि किसी तरह यह सब चीज जिसकी मैं बचपन से तैयारी कर रहा था। ये कहना है टाइगर श्रॉफ का अपने किरदार के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, रैम्बो का निर्देशन करने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद। उन्होंने भी इस फिल्म को लेकर कुछ खास बातें कही हैं। उनका कहना है कि रैम्बो मेरी पीढ़ी की सबसे प्रतिष्ठित एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। मैंने स्टैलोन जैसे नायकों को देखा है और उसी को देखकर बड़ा भी हुआ हूँ। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ रैम्बो के इंडियन वर्जन को बनाने के लिए। इस प्रोजेक्ट की निर्माता टीम में आनंद, दलजीत, डीजे परमार, समीर गुप्ता, हंट लोरी जैसे कलाकार शामिल हैं। दोस्तों, आप सभी कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं रैम्बो? अफवाह को गलत ठहराया था टाइगर श्रॉफ ने? कैसे लगी टाइगर श्रॉफ को रैम्बो की शूटिंग के दौरान चोट? क्या दिशा पटानी होंगी रैम्बो फिल्म की लीडिंग लेडी? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी, जो आज आपके लिए लेकर आई हूं फिल्म रैम्बो से जुड़ी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म रैम्बो रीमेक का ऐलान तो काफी पहले ही हो गया था, लेकिन फिल्म पर बात आगे बढ़ी नहीं और टाइगर अलग अलग फिल्मों में व्यस्त हो गए। यहाँ तक कि फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया था, जिसे देखने के बाद इस फिल्म का क्रेज फैंस के बीच काफी बढ़ गया था। इस बीच फिल्म में कई बदलाव भी किए गए और अब सुनने में आया है कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और ये भी सुनने में आया है कि टाइगर फिल्म की शूटिंग के दौरान इंजर्ड हो गए थे, लेकिन टाइगर ने इस अफवाह को आकर क्लियर किया। तो क्या है ये अफवाह और क्या था टाइगर का रिएक्शन, चलिए हम आपको बताते हैं। टाइगर श्रॉफ के बारे में हाल ही में खबर आई कि मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो घायल हो गए हैं। इस पर टाइगर श्रॉफ ने बताया कि ये महज एक अफवाह है। ये भी खबरें थी कि एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच के दौरान टाइगर श्रॉफ एक मैच का हिस्सा थे और मैच खेलते वक्त टाइगर श्रॉफ को चोट आ गई थी। इस खबर पर टाइगर श्रॉफ ने आकर अपने रिएक्शन दिया और उनके फैंस काफी परेशान हो गए, उनके लिए फिक्र जताने लगे थे, फ्रीक आउट होने लगे थे। पर अपने फैंस को परेशान देखकर टाइगर ने ऐसी सभी खबरों को खारिज करते हुए बताया, मुझे नहीं पता कि ये कहां से आ रहा है। जो मैच और चोट की फोटोज आ रही हैं वो 3 महीने पहले की हैं। रविवार को उन्हें किसी भी तरीके की चोट नहीं लगी है, कृपया सब शांत रहें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूँ कि मुझे चोट जल्दी लग जाती है और मेरे माता पिता सोचते हैं कि मैं काफी रिस्क लेता हूँ, लेकिन रिस्क और चोट मेरी जॉब का हिस्सा है।
ऐसे केस में ये रिपोर्ट्स गलत टाइम पर आई हैं कि ये 3 महीने पहले की खबर थी। सभी जानते हैं टाइगर एक्शन और डांस के लिए कितना पसीना बहाते हैं, ऐसे में चोट का डर तो बना ही रहता है। साथ ही टाइगर स्पोर्ट लविंग सेलेब हैं, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हिस्सा बनने में भूल नहीं करते। वैसे अफवाह ये भी थी कि टाइगर के साथ उनकी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पटानी भी उनके साथ मौजूद थी और दोनों फिल्म रैम्बो की शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जब टाइगर की अपनी चोट की खबर आने पर ये बयान साफ हो गया है तो निश्चित तौर पर उनके फैंस ने चैन की सांस ली है। हाल ही में टाइगर ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक वीडियो का लिंक शेयर किया था और लिखा था, वंदे मातरम। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि भावनाएं हैं, भावनाएं जो हमारे देश के प्रति हमें कुछ करने के लिए आगे बढ़ाती हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर 130 करोड़ भारतीयों के प्रति मेरा छोटा सा योगदान। टाइगर श्रॉफ के इसी ट्वीट को पीएम नरेंद्र मोदी ने रीट्वीट किया था। टाइगर श्रॉफ के ट्वीट को रीट्वीट करना उनके फैंस को बहुत अच्छा लगा और सोशल मीडिया पर ढेरों लोगों ने तरह तरीके की प्रतिक्रियाएं भी दी। वर्क फ्रेंड मैम, आई प्रॉमिस यू माय बेस्ट मैन विल बी ऑन द जॉब। आई हैव अ रिक्वेस्ट। मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल भी गए बाल आज। तो कौन है? मर्सीलेस असासिन। ट्रेन किलर। अ ट्रू पेट्रियट। अब यह फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। किस फिल्म फेस्टिवल में किया गया था रैम्बो फिल्म को अनाउंस? क्या रैम्बो फिल्म बनेगी एक हिंदी फिल्म सीरीज? कैसे कर दिया गया था ऋतिक रोशन को रैम्बो के रोल के लिए ऑलमोस्ट कास्ट? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म रैम्बो के बारे में मेरे यानी श्रुति के साथ। टाइगर श्रॉफ को आखिरी बार बागी 3 में देखा गया था, जिसमें उनकी मार्शल आर्ट्स को बहुत सराहा गया था। उसके बाद लॉकडाउन लगने के कारण टाइगर श्रॉफ ने कोई फिल्म तो साइन नहीं की, लेकिन वो इस बीच सोशल मीडिया साइट्स पर छाए रहे। साथ ही वो अपना पहला गाना अनबिलीवेबल भी लेकर आए। वैसे अब लॉकडाउन में आती जा रही ढील के साथ अब तमाम सितारे शूटिंग शुरू कर चुके हैं, तो टाइगर श्रॉफ भी सेट पर वापस पहुंचने जा रहे हैं। टाइगर अपनी पहली फिल्म के सीक्वल यानी हीरोपंती 2 की तैयारी शुरू करेंगे, जिसे जासूसी फिल्म बताया जा रहा है। इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2021 में शुरू कर दी जाएगी। इन दिनों फिल्मों के बाद टाइगर श्रॉफ रोहित धवन की मूवी रैम्बो रीमेक पर काम शुरू करेंगे। खबर आ रही है कि रैम्बो रीमेक को अगले साल के अंत तक फ्लोर पर लाया जाएगा। लगभग 2 साल पहले 17वें कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्माता सिद्धार्थ आनंद ने हॉलीवुड कल्ट क्लासिक रैम्बो की रीमेक की घोषणा की, जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पहले खबर आ रही थी कि ऋतिक रोशन सुपरहिट सीरीज रैम्बो का हिंदी रीमेक कर सकते हैं, जिसमें मूल रूप से हॉलीवुड आइकन सिल्वेस्टर स्टैलोन थे। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता सिद्धार्थ आनंद हॉलीवुड की कल्ट फिल्म रैम्बो का हिंदी में रीमेक बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए हैंडसम हंक ऋतिक पर विचार कर रहे थे। और इस बात पर हम हैरान नहीं है। ऋतिक न केवल एक अच्छे दिखने वाले एक्टर हैं, बल्कि इस किरदार को अच्छी तरह से निभाने के लिए उनके पास वैसी बॉडी भी है। सिद्धार्थ ने इससे पहले स्टार के साथ अपनी आखिरी निर्देशन वॉर के लिए सहयोग किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। रैम्बो मुख्य रूप से अपने एक्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि मेरी फिल्म में कहानी भी दर्शकों को पसंद आएगी। ये एक कहानी है जिसे देश में वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए बताया जाना चाहिए। बेशक एक्शन बड़ा होगा, लेकिन जैसा कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक बार कहा था, अगर ये बिना भावनाओं के एक्शन है तो दर्शक निष्पक्षता से देखते हैं। इसलिए भावनाओं को एक्शन के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म के बारे में आगे कहा, रैम्बो सीरीज में 4 फिल्म अब यह फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है। दुआ आखिर क्यों बदला था बागी 3 को देखकर रैम्बो के निर्माताओं ने अपना मन? क्या टाइगर श्रॉफ लेकर जाएंगे रैम्बो फिल्म को ग्लोबल? किस एक्टर को पहले कास्ट करना चाहते थे सिद्धार्थ आनंद? स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां आपको हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सभी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म रैम्बो की। और दोस्तों, मैं हूं आपकी वही पुरानी दोस्त और आज की इस वीडियो की होस्ट अनुष्का त्यागी।
बॉलीवुड एक्शन फिल्म रैम्बो के भारतीय रीमेक में दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे। इस रीमेक का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे और दोस्तों बता दें कि टाइगर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स हैं और दोस्तों सिद्धार्थ का मानना है कि टाइगर में वो क्षमता है जिससे वो हमारे जनरेशन के अगले एक्शन हीरो बन सकते हैं। इस फिल्म के भारतीय रीमेक की काफी चर्चाएं थी और दोस्तों ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कलाकारों के नाम पर विचार किया गया था, लेकिन दोस्तों आखिर में टाइगर श्रॉफ को इसमें लिया जाना तय हुआ। टाइगर ने बताया, मैं बचपन से मार्शल आर्ट्स और एक्शन फिल्मों का प्रशंसक रहा हूँ, मेरे लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन मैं दिग्गज सिल्वेस्टर स्टैलोन की जगह नहीं ले सकता। मैं हालांकि ये मानता हूँ दोस्तों कि ये कुछ ऐसा है कि जिसकी चाहत मुझे बचपन से थी। इस फिल्म का शुरुआती काम अगले साल फरवरी से शुरू होगा और इस फिल्म को 2022 के अंत तक रिलीज करने का लक्ष्य है। फिल्म बागी 3 के सक्सेस के बाद अब बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ फिल्म रैम्बो लेकर आ रहे हैं और दोस्तों इस फिल्म के बनने की खबर काफी समय से आ रही थी, लेकिन दोस्तों बता दूं कि बाद में रैम्बो के निर्माताओं ने इसे ना बनाने का फैसला किया था, लेकिन बागी 3 की सफलता को देखते हुए निर्माताओं ने अपना मन बदल दिया और दोस्तों रैम्बो के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने ऐलान कर दिया कि इस फिल्म की शूटिंग 2021 से शुरू होगी और 2022 में इसे रिलीज कर दिया जाएगा। रैम्बो फिल्म में टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिलेगा और दोस्तों हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ से फिल्म को लेकर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि रैम्बो की जय जयकार या हीरो पंती देगी सबको मात? क्या एक्शन सिनेमा विटनेस करने वाला है बिगेस्ट क्लैश ऑफ ऑल द टाइम? क्या इस बार टाइगर श्रॉफ नहीं बचा पाएंगे अपनी मूवी को हारने से? दोस्तों मूवीज अपने प्लॉट, कास्ट, बस एंड फैन फॉलोइंग की वजह से ही नहीं चलती, वो चलती है एक और वजह से और वो है अपील। हाँ सही सुना आप लोगों ने, अपील एक ऐसी चीज है जिससे मूवीज चलती है। अगर ऑडियंस को भी चीज या जॉनर को एज अ अपील डायरेक्टर्स के सामने रखते हैं और डायरेक्टर्स उन अपील को मूवीज में उतारने की कोशिश करते हैं। आज हम ऐसे ही दो मूवीज की बात करने जा रहे हैं जो एज अ अपील डायरेक्टर्स के सामने रखी गई है, जिनके जॉनर भी सेम है, पर उनमें क्या क्या पॉइंट्स है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं, वो हम यहाँ आज हाईलाइट करेंगे। तो बात करें फिल्म रैम्बो की, तो इसे डायरेक्ट किया जाएगा सिद्धार्थ आनंद के द्वारा एंड इस मूवी के मेन लीड होंगे टाइगर श्रॉफ। वहीं दूसरी ओर बात करें मूवी हीरोपंती 2 की, तो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान और इसमें भी मेन लीड होंगे टाइगर श्रॉफ। अब आ जाते हैं दोनों मूवीज के प्लॉट पर। तो मूवी हीरोपंती 2 में इस बार भी एक्शन के साथ कोई लव स्टोरी शो की जा सकती है। इस बार भले ही इसमें पहले जैसी स्टोरी ना डाली जाए, लेकिन ये मूवी भी शायद पहले की ही तरह लव स्टोरी प्लस एक अंडरकवर एजेंट की स्टोरी होने वाली है। दूसरी ओर मूवी रैम्बो एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी जिसके लीडिंग स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन थे, उसकी रीमेक है। अब इस चीज पर हम लोग पॉपुलर ओपिनियन की बात करें तो ये बात सोचने की है कि दोनों ही मूवीज है एक्शन जॉनर, लेकिन सपोर्टिंग जॉनर दोनों में डिफरेंट है। हीरोपंती में वो जॉनर रोमांस है एंड रैम्बो में वो जॉनर है थ्रिलर। अब इस पर से सोचना बनता है कि जनता क्या चाहती है, लोग क्या प्रेफर करते हैं, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। अब दूसरी चीज जो आती है मूवीज को कि क्या नए टचेस दिए गए हैं। तो रैम्बो मूवी में स्टोरी सेम रखी जाएगी, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस को मॉडिफाई करके दिखाया जाएगा। टाइगर श्रॉफ खुद बहुत सारी स्टंट्स परफॉर्म करते आए हैं, इसलिए इस मूवी को देखना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा। वहीं बात करें हीरोपंती 2 में, तो स्टोरी को लेकर अभी थोड़ी बहुत क्लैरिटी नहीं दी जा सकती, पर ये जरूर सच है कि हर बार लोग प्लेट पर नए तरीके से की स्टोरी और ट्विस्ट दिया जाएगा, इसलिए अभी दोनों मूवीज इस क्राइटेरिया पर इक्वली स्टैंड कर रही है। दोनों मूवीज के बस की बात की जाए तो रैम्बो मूवी ऑलरेडी बस में चल रही है, इसके दो रीजंस है। पहला ये कि मूवी एक ऑलरेडी फेमस मूवी की रीमेक है, जिसे देखने के लिए ऑब्वियसली फैंस एक्साइटेड है, और दूसरा इस मूवी में एक्शन जॉनर को ज्यादा जगह दी गई है जो एक्चुअली आज की ऑडियंस की चाहत है। हीरोपंती 2 के बस की बात करें तो अभी कहीं ना कहीं मूवी को लेकर इतना एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि इस मूवी को लेकर रैम्बो की तरह कोई न्यू अपडेट्स अच्छे से सामने नहीं आ रहे, और दूसरा रीजन हो रहा है कि आजकल रोमांटिक मूवीज की डिमांड बॉलीवुड में गिरती जा रही है और कहीं ना कहीं हीरोपंती 2 की स्टोरी भी इससे अफेक्ट हुई है। अब हम लोग सब वेट कर सकते हैं इन दोनों एपिक मूवीज के आउट होने का, एंड तब जो कॉम्पिटिशन देखा जाएगा वो ज्यादा रियल होगा और भी क्राइटेरिया के साथ। इन फिल्मों को रिलीज
ट्रू पेट्रियट। अब यह फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है, तो आ। कौन सा एक्शन सीक्वेंस शूट करते हुए देखे गए टाइगर श्रॉफ? कहाँ पे शूट किया जा रहा है रैम्बो फिल्म को? क्या नवाजुद्दीन है रैम्बो फिल्म के विलन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रुति और स्वागत करती हूं आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म रैम्बो की। टाइगर श्रॉफ हाल ही में सिद्धार्थ आनंद की फिल्म रैम्बो की शूटिंग के लिए लंदन गए थे। मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड को पूरा करने के बाद दोनों एक एक्शन पैक शेड्यूल शुरू करने के लिए तैयार है। टाइगर आने वाले सप्ताह में स्पीड रेलवे स्टेशन पर एक भव्य एक्शन सीक्वेंस करेंगे और उन्होंने स्टंट दृश्यों के लिए बड़ी तैयारी भी की है। महीने भर चलने वाले इस शेड्यूल में इस फिल्म की टीम कुछ गानों की शूटिंग भी करेगी। इस एक्शन एंटरटेनर में खलनायक की भूमिका निभाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी जल्द ही लंदन में कलाकारों में शामिल होंगे। हाल ही में टाइगर श्रॉफ मुंबई में एक बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए चर्चा में है। टाइगर ने ये विशाल अपार्टमेंट अपने माता पिता को उपहार में दिया, जो लंबे समय से उनका सपना था। टाइगर, उनके माता पिता और बहन कृष्णा श्रॉफ हाल ही में खार में स्थित नए घर में चले गए। इस भव्य संपत्ति के इंटीरियर डिजाइन को बड़े पैमाने पर आयशा श्रॉफ और जॉन इब्राहम के भाई ने किया है। टाइगर श्रॉफ अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ रैम्बो में हॉलीवुड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन के नक्शे कदम पर चलेंगे। फिल्म निर्माता सिद्धार्थ आनंद द्वारा अभिनीत एक्शन रीमेक की शूटिंग यूरोप में हिमालय में की जाएगी, जिसमें से लंदन, फ्रांस और ज़ुरिच मेन लोकेशन होगी। कथित तौर पर फिल्म 2022 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर माने जाते हैं और अब उनकी फिटनेस और जबरदस्त एक्शन के चलते एक और सफलता उनके हाथ लग गई है। इस फिल्म में हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन नजर आए थे। टाइगर इस फिल्म में काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो सिल्वेस्टर की जगह कभी नहीं ले सकते। इस रीमेक का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे और ऐसा नहीं है कि टाइगर का नाम इस प्रोजेक्ट के लिए सीधे चुन लिया गया है। अब यह फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है, तो आ। आखिर किस कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है रैम्बो फिल्म? बदनामी की वजह से बजट कम किया जाएगा रैम्बो फिल्म का? क्या स्टंट करते हुए दिखेंगे टाइगर रैम्बो फिल्म में? स्वागत आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सभी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म रैम्बो की और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तालिबान के फिर से उभरने और अफगानिस्तान में सत्ता की उनकी जब्ती ने दुनिया को झकझोर दिया है दोस्तों। खासकर काबुल हवाई अड्डे पर परेशान करने वाले सीन के कारण जब लोगों ने खुद को बचाने के लिए भागने का प्रयास किया। 1980 के दशक की एक्शन फिल्मों के क्रेज की ऊंचाई पर रैम्बो हॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज में से एक था। दोस्तों बता दूं, वियतनाम के परेशान जॉन रैम्बो जल्द से एक आइकन बन गए और दोस्तों इसके लायक होने के लिए सिल्वेस्टर स्टेलोन द्वारा महान पद के साथ खेला गया। फिल्म में दोस्तों दिखाया गया कि वॉर्स गलत हैं, क्योंकि हम रैम्बो के पीटीएसडी और उथल पुथल को देखते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक नॉर्मल जीवन नहीं जी सकता है। ये फिल्म हमेशा अफगानिस्तान के वीर लोगों को समर्पित थी। हालांकि दोस्तों फिल्म मुजाहिदीन को पॉजिटिव रूप से दिखाती है, लेकिन ये पूरी तरह फिल्म को विद्रोही समूह को समर्पित करने से पीछे नहीं हटती, जिसकी वजह से ये फिल्म आजकल कंट्रोवर्सी का सामना कर रही है। दोस्तों बता दूं कि उच्च पैमाने और बड़े बजट वाले प्रोजेक्ट्स के लिए इस पर पुनर्विचार हो रहा है, क्योंकि निर्माताओं को उपलब्ध होने के लिए थिएटर सहित सभी रास्तों की आवश्यकता है। वो जानते हैं कि ये फिल्म उन्हें अकेले स्ट्रीमिंग सेवाओं पर पर्याप्त रिटर्न नहीं देगी। कोरोना वायरस महामारी के लगभग 2 वर्षों ने बॉलीवुड को बड़े बदलाव के लिए स्थापित किया है, क्योंकि दोस्तों फिल्म निर्माता लागत की समीक्षा करते हैं, बड़े बजट की परियोजनाओं को बैक बर्नर पर रखते हैं और स्क्रिप्ट की समीक्षा करते हैं, ताकि सुनिश्चित हो सके कि दर्शकों को सिनेमाघर में वापस लाने के लिए पर्याप्त अपील हो। फिल्म निर्माताओं ने कहा कि ओवर द टॉप ओटीटी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों भाषाओं के कंटेंट के बढ़ते प्रदर्शन के साथ दर्शकों को अब औसत दर्जे का किराया स्वीकार करने की संभावना कम है। दोस्तों बता दूं, ऐसे में हो सकता है कि रैम्बो फिल्म का भी बजट कम कर दिया जाए। बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्मों में I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील्ड में गए बालाज। तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. किस लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा हमें रैम्बो फिल्म में? किस फिल्म की वजह से रुक गई थी रैम्बो की शूटिंग?
क्या ठंडी पड़ गई है रैम्बो फिल्म में। स्वागत है आपका पॉलीग्राफ स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म रैम्बो के बारे में। बॉलीवुड के एक्शन मैन यानी कि टाइगर श्रॉफ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करती है। फिल्म में उनका एक्शन दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आता है। इस बीच टाइगर के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। टाइगर एक बार फिर से धमाकेदार फिल्म के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले टाइगर की जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म रैम्बो चर्चा में आई थी। फिल्म का पोस्टर भी जारी कर दिया गया था, लेकिन बाद में खबर आई थी कि टाइगर की ये फिल्म ठंडे बस्ते चली गई है। मगर अब टाइगर और रैम्बो के निर्माता निर्देशक ने इस फिल्म के बंद होने के बाद से पर्दा उठा दिया है। बताया जा रहा है कि फिल्म रैम्बो की जल्द तैयारी शुरू की जाएगी। खबरों की माने तो रैम्बो के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने बताया है कि मैं और टाइगर रैम्बो की तैयारी में लग गए थे, लेकिन यशराज की एक फिल्म की वजह से इस फिल्म को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। सिद्धार्थ ने अब बताया है कि रैम्बो जल्द ही पर्दे पर नजर आएगी। देरी के चलते इस फिल्म की शूटिंग अगले साल तक शुरू की जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म कौन सी फिल्म थी? ये फिल्म थी बंटी और बबली की सीक्वल फिल्म, जो यशराज स्टूडियोज के तहत काफी समय से बन रही थी। इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ काफी तैयारी भी कर रहे थे। रैम्बो फिल्म के लिए सिल्वेस्टर स्टैलोन ने वियतनाम में रहते हुए वहां के लोगों और साथ ही सैनिकों से वियतनामी, फ्रेंच, स्पैनिश, चीनी और कोरियन बोलना सीखा था। उन्होंने ताइक्वांडो, जूडो और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स मार्शल आर्ट, कराटे, कुंग फू और बहुत कुछ सीखा था, और जापानी जेट्सु भी सीखा था। जी हाँ, और उनकी मेहनत रंग भी लाई थी, क्योंकि रैम्बो फिल्म एक बड़ी सफलता थी। अब आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। हाल ही में कभी अपने किक से स्टंटमैन का जबड़ा तोड़ने वाले, तो कभी फिल्म की शूटिंग के दौरान 20वीं मंजिल से छलांग लगाने वाले टाइगर श्रॉफ को दक्षिण कोरिया की ओर से सम्मानित किया गया था। दक्षिण कोरिया के वर्ल्ड ताइक्वांडो हेडक्वार्टर्स ने टाइगर श्रॉफ को 5th degree ब्लैक बेल्ट से नवाजा था, और साथ ही साथ टाइगर श्रॉफ को बचपन से ही मार्शल आर्ट्स और डांस का शौक है। इस फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह बढ़ते जा रहा है और हमें पूरा यकीन है कि ये फिल्म जब I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील्ड पे गए बालाज। तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. क्या दूसरी एक्शन मूवी इसकी कर देगी सिट्टी पिट्टी गुल मूवी रैम्बो? क्या मूवी रैम्बो है एक टफ कंपटीशन फॉर द होल बॉलीवुड एक्शन सिनेमा? तो क्या मूवी रैम्बो से डरने वाले हैं दूसरे डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स? दोस्तों, एक्टिव ऑडियंस होने का एक फायदा हम लोगों को जरूर होता है, और वो ये है कि हम लोग मूवी की गहराइयों में खोद खोद कर उसके छिपे मीनिंग को पहचान पाते हैं। इसका ये भी एक फायदा है कि हम इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट को अन इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट से भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अगर हम बात करें आज की, तो आजकल के सिनेमा में वो बात नहीं रह गई है। एक्शन सिनेमा की बात करें तो उस जॉनर में तो बस अनवांटेड एक्शन सीन्स ही देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनको जबरदस्ती फिल्मों में घुसा दिया जाता है। एक्शन सिनेमा का मार्केट अब उतना दमदार नहीं रहा जैसा वो पहले था। तो आज हम लोग आपको एक मूवी की झलक देने आए हैं जो इस डूबते हुए एक्शन सिनेमा की नैया को बचा सकता है। इस मूवी का नाम है रैम्बो, जिसको जल्दी रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। रैम्बो में मेन लीड का रोल प्ले करेंगे टाइगर श्रॉफ, एंड ये मूवी डायरेक्ट करी जाएगी सिद्धार्थ आनंद के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि मूवी बॉलीवुड के एक्शन सिनेमा को कैसे चेंज कर सकती है? तो दोस्तों, इस मूवी में वो सब कुछ है जो बॉलीवुड को एक परफेक्ट एक्शन मूवी क्या होती है वो सिखा सकती है।
पहले आपको ये बताते हैं कि ये मूवी एक एपिक हॉलीवुड एक्शन मूवी जिसके मेन लीड थे सिल्वेस्टर स्टेलोन, उनकी रीमेक है और वो मूवी है रैम्बो। ये बात गौर करने की है कि हॉलीवुड रैम्बो मूवी का एक्शन बिल्कुल बैलेंस था एंड उसमें बिल्कुल करेक्ट प्लॉट था, इसलिए वो मूवी अभी तक लोगों की फेवरेट बनी हुई है। ऐसे ही टाइगर श्रॉफ की रैम्बो उसी रैम्बो से इंस्पायर होगी, विच मीन्स इस मूवी में भी उस मूवी जितना ही बैलेंस रखा जाएगा विद अ परफेक्ट प्लॉट जो ऑब्वियसली इंडियन ऑडियंस के लिए आई कैचिंग होगा। अगर हम बात करें रैम्बो मूवी के स्टार खुद टाइगर श्रॉफ की, तो वो इस बार अपनी यूजुअल एक्टिंग स्टाइल से कुछ अलग करने जा रहे हैं। उन्होंने अपना न्यू लुक भी आउट कर दिया है जिसमें वो बिल्कुल हॉलीवुड कैरेक्टर रैम्बो की तरह दिख रहे हैं, जो कि एक तरह से एक्साइटिंग लग रहा है फैंस को। फैंस हमेशा से ये फैक्ट अप्रिशिएट करते हैं कि उनके मनपसंद सेलिब्रिटीज अपने यूजुअल एक्टिंग स्टाइल से कुछ और करें। ये चीज फैंस को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, खास करके आज की करंट जनरेशन को। रैम्बो मूवीज इंडस्ट्री को एक और नई चीज सिखा सकती है और वो है हाउ टू मेक परफेक्ट रीमेक्स। हाँ, सही सुना आपने, बॉलीवुड में आजकल हर कोई रीमेक तो बनाने लगते हैं, पर वो रीमेक्स उतने अच्छे नहीं होते जैसे उन्होंने चाहे। रीमेक के नाम पर हमें पोस्ट स्क्रिप्ट जहाँ पर कुछ लूप होल्स होते हैं प्लस उन मूवी में हमें लैक ऑफ एक्टिंग जरूर नजर आ जाती है, इसको रॉन्ग कास्टिंग भी कहा जा सकता है। बिकॉज जिन कैरेक्टर्स को रीमेक में ओल्ड कैरेक्टर्स की जगह कास्ट किया जाता है वो उन ओरिजिनल कैरेक्टर्स जैसी एक्टिंग शायद ही कर पाते हैं। अगर आप अभी तक की सारी बॉलीवुड रीमेक्स पर गौर करें तो शायद हमारी इस बात को समझ पाए, लेकिन मूवी रैम्बो में अगर कास्टिंग की बात करें तो टाइगर श्रॉफ एक अच्छा डिसीजन है ये रोल प्ले करने के लिए। और जैसे जैसे अगर हम टाइगर श्रॉफ के करियर पर ध्यान दें तो वो एक्शन में मेन कैरेक्टर में दिखने सोने पर सुहागा जैसी बात होगी, जो ये नो सो इंटरेस्टिंग रीमेक वाला स्टीरियोटाइप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से हटा दे। दोस्तों ये जो मूवीज होती है ना, ये एक ही रीजन की वजह से लोगों को आजकल बहुत पसंद आती है और वो वजह है उनकी यूनिकनेस एंड उनकी यूनिकनेस। अगर कोई मूवी ज्यादा नए या यूनिक नहीं होती तो शायद से ही लोग उसे पसंद करे। आप लोगों का क्या विचार है इसके बारे में? हाँ, शायद आप हमसे सहमति हो। बॉलीवुड में ओनली ऐसी ही कुछ मूवीज है जो रीमेक के बाद इंडस्ट्री में चली हो, तो आज हम आपको ऐसी एक अपकमिंग फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसके फ्लॉप होने के कई रीजंस हमारे सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम सभी ने चर्चाएं सुनी थी टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग एक्शन एंड थ्रिलर मूवी जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं यहाँ मूवी रैम्बो की। रैम्बो जल्दी सिनेमा घरों को हिट करने वाली है, पर दोस्तों इस मूवी को लेकर जनता के बीच कोई क्रेज नहीं दिखाई दे रहा है। रैम्बो मूवी को फेमस हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन की क्लासिक मूवी रैम्बो जो 1982 में रिलीज हुई थी उसकी रीमेक बताया जा रहा है। इस मूवी का अब रीमेक बनाया जा रहा है जो फैंस को एक बचकाना मूवी लगता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में एक्शन मूवीज का मार्केट दिन ब दिन श्रिंक होते जा रहा है और ऐसे में एक पूरी मूवीज इसी कॉन्सेप्ट पर बनाना रिस्की हो सकता है। अगर हम बात करें मूवी की ही तो ये मूवी ऑलरेडी एक फेमस एंड मोस्ट रिकग्नाइज मूवी का रीमेक बनने वाली है, तो पूरी चांसेस है कि लोग इसे देखने में इंटरेस्टेड ना दिखाए क्योंकि वो इस मूवी का प्लॉट ऑलरेडी जानते हैं, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि वो थिएटर में जाकर इस मूवी को फिर से देखे। और ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि जो भी मूवी बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है पहले से ही उस मूवी के कैरेक्टर्स पहले से ही सबके दिलों में बस जाते हैं। और सेम है मूवी रैम्बो के साथ भी, इस मूवी के ऑफिशियल हीरो सिल्वेस्टर स्टेलोन लोगों के मन पसंद है और पहले से ही वो रोल परफॉर्म कर चुके हैं जिसे इस मूवी में टाइगर श्रॉफ करेंगे, तो पीपल उन दोनों के एक्टिंग के बीच कंपैरिजन तो जरूर करेंगे, तो ये एक बहुत ही रिस्की एलिमेंट हो सकता है यहाँ पर। इस मूवी को लेकर कोई क्लियर अपडेट सामने नजर नहीं आ रही है, पर लोगों में ज्यादा गुस्सा है इस मूवी को लेकर एंड इस मूवी के बनने से उन्हें कोई ज्यादा एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही है। तो कई प्रॉब्लम्स है मूवी रैम्बो के
थिएटर्स में आने के रास्ते में, और अब ये तो बाद में ही पता चलेगा। और अब आगे देखते हैं कि ये मूवी अपने कौन सी अपडेट्स पब्लिकली। मैम, आई प्रॉमिस यू माय बेस्ट मैन विल बी ऑन द जॉब। आई हैव अ रिक्वेस्ट। मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील्ड पे गए बालाज। तो कौन है? मर्सीलेस असासिन, ट्रेन किलर। A true patriot. Abhi ye fight teri maut se khatam. Main uske liye jaan de sakta hoon. Tu de sakta hai. Tu aa. बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। एक को 10-10 मिल के मार रहे हैं, ये तो मुंबई में होता है। अबे चुपचाप निकल जा यहां से, हमारे झगड़े में ना पड़। अभी तक तो नहीं सोचा था, अब मानना ही पड़े। क्या फितरत, इस साले को तो मैं पर्सनली मारूंगा। क्या टाइगर श्रॉफ को प्रभास ने कर दिया है रिप्लेस रैम्बो फिल्म में? क्या था टाइगर श्रॉफ का रिएक्शन खुद को रिप्लेस होने की अफवाहों पर? क्या था सिल्वेस्टर स्टैलोन का रैम्बो के रीमेक बनने की खबरों पर रिएक्शन? स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म रैम्बो के बारे में। श्रॉफ की फिल्म रैम्बो के पहले पोस्टर की खूब चर्चा हो रही है और सिद्धार्थ आनंद फिल्म शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म की शुरुआत होने से पहले ही एक बहुत बड़ी ठोकर लगी है। तो क्या है वो ठोकर और क्या दिक्कत हुई है रैम्बो फिल्म बनने में, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल टाइगर रैम्बो के रीमेक के लिए तारीख नहीं दे रहे, उन्होंने पहले ही गणपत पार्ट 1 और 2, हीरोपंती 2 और बागी 4 के लिए तारीख दे दी है, जिसका मतलब ये है कि टाइगर श्रॉफ अभी अगले साल के अंत तक लगभग पूरे दिखते हैं। एक अंदरूनी सूत्र का कहना है कि सिद्धार्थ ने अब रैम्बो रीमेक में टाइगर को बदलने के लिए प्रभास के संपर्क किया है। वे सुपरस्टार के साथ उन्नत बातचीत कर रहे और उन्हें फिल्म का कॉन्सेप्ट और आइडिया भी पसंद आया है। साथ ही निर्माता को लगता है प्रभास के जुड़ने से फिल्म को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और ये फिल्म को एक अलग व्यू देगी। अब ये देखने की जरूरत है कि क्या प्रभास इस फिल्म को साइन करेंगे, लेकिन जब ये खबर बाहर आई है तो टाइगर श्रॉफ ने इसे अफवाह करार कर दिया है। और अफवाह को खारिज करते हुए टाइगर ने कहा कि ये बेफिजूल की बातें, धरती पर ये कहां से आ रहा है सब और क्यों, जिस बात से ये साफ है कि ये फिल्म का हिस्सा है। इसके अलावा टाइगर हीरोपंती 2 में तारा सुतारिया के साथ नजर आएंगे। बात करें प्रभास की तो वह अब राधे श्याम में नजर आने वाले हैं। इस लव स्टोरी में पूजा हेगड़े, सचिन खेडकर, मुरली शर्मा, भाग्यश्री, कुणाल रॉय कपूर जैसे एक्टर्स अहम किरदारों में हैं। कुछ ही दिन पहले सिल्वेस्टर स्टैलोन ने अपनी प्रतिष्ठित फिल्म रैम्बो के भारतीय रीमेक पर अपने विचार साझा किए और हैरानी की बात यह है कि उनकी बातों ने फिल्म के शुरू होने से पहले ही काफी नुकसान पहुंचा दिया। तो ऐसा क्या बोला उन्होंने? मैम, आई प्रॉमिस यू माय बेस्ट मैन विल बी ऑन द जॉब। आई हैव अ रिक्वेस्ट। मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूं जो उस केस में आपकी मदद करेगा। आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील्ड पे गए बालाज। तू कौन है? मर्सीलेस असासिन, ट्रेन किलर। अ ट्रू पेट्रियट। अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ। किस डायरेक्टर ने ली सिद्धार्थ
सिद्धार्थ आनंद की जगह रैम्बो फिल्म में क्यों छोड़नी पड़ी सिद्धार्थ आनंद को रैम्बो फिल्म? किस फेमस फ्रेंचाइजी की रीमेक होने वाली है रैम्बो? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म रैम्बो की। बॉलीवुड और रीमेक साथ साथ चलते हैं। हर साल एक दर्जन से अधिक साउथ और हॉलीवुड फिल्मों का हिंदी रीमेक बनाया जाता है और ये दशकों से हो रहा है। हमने 2021 में भी कई रीमेक देखे और साल अभी खत्म नहीं हुआ है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फ्लॉप के बाद आमिर खान अब लाल सिंह चड्ढा में दिखेंगे। ये टॉम हॉन्क्स की 1994 की फिल्म फॉरेस्ट ग्रम की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। कैथी के बाद अजय देवगन एक और रीमेक में दिखाई देंगे, जो थैंक गॉड है। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित ये फिल्म डेनिश कॉमेडी ड्रामा फिल्म सॉर्ट कुगलर का आधिकारिक हिंदी रीमेक है। रॉबर्ट डी नीरो और एन हैथवे स्टारर 2015 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म द इंटर्न का हिंदी रीमेक बनाने के लिए दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में है। ऋषि कपूर को भी रीमेक में अभिनय करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब उनकी जगह अमिताभ बच्चन ने ले ली है। ऐसे ही रीमेक के बाहर में एक और खड़ी बड़ी फिल्म आने वाली है और वो है सिल्वेस्टर स्टेलोन की चर्चित फिल्म फ्रेंचाइजी रैम्बो का हिंदी रीमेक। इस फिल्म की चर्चाएं जोरों शोरों पर है, लेकिन चर्चाएं फिल्म पर जल्दी काम शुरू करने को लेकर नहीं बल्कि इसके क्रू में बदलाव को लेकर है। जी हाँ, शुरुआत से ही इस फिल्म का निर्देशन करने की जिम्मेदारी बैंग बैंग और वॉर जैसी फिल्में बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद के पास थी, लेकिन अब आकर खेल बदल गया है। अब इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ नहीं बल्कि अभिनेता वरुण धवन के बड़े भाई रोहित धवन करने वाले हैं। रैम्बो का हिंदी रीमेक बनाने की खबरें कुछ सालों पहले से शुरू हुई है और पिछले साल एक इंटरव्यू में खुद सिद्धार्थ भी इस बात की पुष्टि कर चुके थे कि इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। इसकी शुरुआत वो इसी साल जनवरी से शुरू करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से देरी हुई। फिर मार्च में तो कोरोना वापस की वजह से सब कुछ बंद ही हो गया। सिद्धार्थ ने फिल्म की कहानी और पटकथा लेखन का काम पूरा कर लिया था, लेकिन अब उन्हें ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा है। अब इस फिल्म के निर्देशन को अंजाम रोहित धवन देंगे। रैम्बो में मुख्य भूमिका निभाने के लिए अभिनेता टाइगर श्रॉफ को चुना गया है। ये चुनाव तब तक किया गया जब उनकी फिल्म बाघी रिलीज हुई। बेशक उस फिल्म में भी टाइगर ने कुछ बेहतरीन एक्शन दृश्यों को अंजाम दिया था, लेकिन इस सीरीज के साथ भी वो कुछ बेहतरीन एक्शन करने वाले हैं। इस फिल्म को शुरू करने से पहले टाइगर के पास उनकी पहली फिल्म हीरोपंती का सीक्वल भी हाथ में है। रैम्बो रीमेक के 2 साल बाद रिलीज होने की उम्मीद है। इस फिल्म को मैम, आई प्रॉमिस यू माय बेस्ट मैन विल बी ऑन द जॉब। आई हैव अ रिक्वेस्ट। मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील्ड पे गए बालाज। तू कौन है? मर्सीलेस असासिन। ट्रेन किलर। अ ट्रू पेट्रियट। रैम्बो फिल्म के कौन से सीन्स अब हो रहे हैं वायरल? क्या हॉलीवुड में भी होगा रैम्बो फिल्म का रीमेक? क्या रैम्बो फिल्म को मिल गया है स्टूडियो पार्टनर? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म रैम्बो की। अफगानिस्तान का जिक्र आते ही भारतीय फिल्म प्रेमियों के दिमाग में हिंदी की दो फिल्में आ जाती है, एक अमिताभ बच्चन की खुदा गवाह और दूसरी बलराज सहानी अभिनीत काबुलीवाला। 1992 के खुदावाहा जहां एपिक ड्रामा और मारधाड़ से भरपूर एक्शन मूवी थी, तो वहीं 1961 की काबुलीवाला भावनाओं से ओतप्रोत इमोशनल मूवी थी। ये तो हुई बॉलीवुड की बात। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। हजारों अफगान नागरिक पासपोर्ट के बिना ही हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं और देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। इस बीच एक चर्चित हॉलीवुड फिल्म का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। ये फिल्म अफगानिस्तान के मुजाहिदीन फाइटर्स पर बनी है। यहाँ सिल्वेस्टर स्टेलोन की 1988 में आई फिल्म रैम्बो 3 की बात हो रही है। ये एक एक्शन फिल्म थी। इसमें फिल्म का नायक जॉन रैम्बो अफगानिस्तान सोवियत वॉर के बीच अपने दोस्त और कमांडर कर्नल सैम ट्रॉटमैन को बचाने के लिए अफगानिस्तान जाता है। तब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। ऐसे में अमेरिका ने अपने दुश्मन सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे अफगान मुजाहिदीनों को अपना हीरो बताया है। एक खास बात ये भी है कि इस फिल्म की शायद से एक हॉलीवुड रीमेक जल्द ही बनने वाली है और इसी नई रैम्बो फिल्म में एक्टर एडम ड्राइवर रैम्बो है। अगर आप क्वेंटिन को कहानी सुनाने दे,
फिल्म निर्माता क्विंटिन टारंटिनो ने ये साफ कर दिया है कि रैम्बो एक रीमेक के लिए तैयार है और पहले से ही उनके दिमाग में फिल्म की कास्ट है। उन्होंने कहा कि अगर वो इस फिल्म की रीमेक बनाएंगे तो कर्ट रसेल शेरिफ की भूमिका निभाएंगे और एडम ड्राइवर रैम्बो की भूमिका निभाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म रैम्बो का जल्द ही बॉलीवुड में भी रीमेक होने वाला है और इस फिल्म के स्टार होने वाले हैं टाइगर श्रॉफ। और अब ये सुनने में आया है कि सिद्धार्थ आनंद जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है वो खुद इस फिल्म के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ का प्रोडक्शन हाउस अपने दूसरे प्रोडक्शन वेंचर सिल्वेस्टर स्टैलोन की रैम्बो के आधिकारिक रीमेक के लिए जियो स्टूडियोज के साथ बातचीत कर रहा है। क्या विद्युत जम्वाल भी हमें अब की बार देख सकते हैं रैम्बो के रीमेक में? और क्या विद्युत जम्वाल के जुड़ने से पूरा होगा फैंस का ये पुराना सपना? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज में। रैम्बो एक अपकमिंग फिल्म है जो कि एक काफी मच अवेटेड फिल्म में से एक रही है और फैंस तो इसके लिए न जाने कितने ही सालों से वेट कर रहे हैं, पर अभी तक हमें ट्रेलर भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन फाइनली अब इस फिल्म को लेकर टाइगर श्रॉफ ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है और उनके अनुसार ये फिल्म हमें नेक्स्ट ईयर के मार्च तक जरूर देखने को मिल जाएगी। पर इससे पहले अभी उनका सारा ध्यान उनकी एक और अपकमिंग फिल्म यानी कि हीरोपंती 2 पर है, क्योंकि ये फिल्म उनके करियर की डेब्यू फिल्म की सीक्वल है और साथ ही उनके करियर की सबसे बड़े बजट की फिल्म भी है। इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इस फिल्म के साथ। और इसी के ठीक बाद रैम्बो और वॉर 2 के आ जाने से टाइगर नेक्स्ट ईयर के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। और रैम्बो में अभी एक और काफी बड़े एक्शन सुपरस्टार के जुड़ने के र्यूमर्स भी आ रहे हैं। तो क्या है वो र्यूमर्स, उन्हें जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं जिस एक्शन सुपरस्टार की, वो कोई और नहीं बल्कि विद्युत जम्वाल ही है। और उनके इस फिल्म में जुड़ने से पक्का इस फिल्म को बहुत बड़ा फायदा ही मिलेगा, क्योंकि टाइगर श्रॉफ तो एक्शन में अभी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं ही, पर एक और एक्टर भी है जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला आ रहा है और वो है विद्युत जम्वाल। और अगर हम इन दोनों को एक साथ देख पाएंगे रैम्बो जैसी एक्शन पैक्ड फिल्म में जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन सीन्स के लिए ही फेमस है, तो इसके बाद तो सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड कैसे तोड़ जाएंगे ये तो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि रैम्बो में डबल एक्शन देखने को जो मिलेगा। तो अब टाइगर वर्सेस विद्युत का इंतजार तो फैंस काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं और अब फाइनली फैंस का ये सपना रैम्बो के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद पूरा करने जा रहे हैं। और उन्होंने हमें 2019 में भी टाइगर वर्सेस ऋतिक का वॉर अंदाज दिखाया था। तो चलिए अब आप हमें जल्दी से भारतीय जावास की कहानी है इंडियन रैम्बो। कब से हो रही है इसकी तैयारियां और कहां पर हो सकती है ये फिल्म बैन? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त प्रियंका और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की फ्रेश न्यू वीडियो में, जहां हम बात करेंगे फिल्म रैम्बो के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहें। टाइगर श्रॉफ आज वही कर रहे हैं जो उन्हें करना पसंद है। इस हैंडसम हीरो ने अपने डांसिंग और एक्शन स्किल से दुनिया को अपना दीवाना तो बनाया ही है, साथ ही साथ उन्हें ऑडियंस भी देखना काफी पसंद करती है। लेकिन अब टाइगर दहाड़ने के लिए एकदम तैयार है, फुल ऑन एक्शन लुक में नजर आएंगे अपनी आने वाली फिल्म रैम्बो में। आपको बता दें कि टाइगर इस फिल्म की तैयारी 2017 से कर रहे हैं। हालांकि ये फिल्म आज तक रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में मार्च तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने आ सकती है। इस फिल्म में जो टाइगर का लुक है वो फर्स्ट टाइम लुक है, शायद ही इससे पहले टाइगर को ऐसे लुक में देखा गया हो।
दूसरी खबर ये भी आ रही है कि इस फिल्म से जुड़े नए पोस्टर्स भी जल्द ही फिल्ममेकर्स जारी करेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से इस फिल्म को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। ये उन फैंस के लिए गुड न्यूज हो सकती है जो 2017 से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अब ये पता होगा कि टाइगर की ये फिल्म हॉलीवुड रैम्बो की रीमेक है, तो आपको ये भी पता होगा कि वो फिल्म उनके आर्म्ड फोर्स के एक सिपाही के ऊपर बेस्ड थी। अब यही चीज होने वाली है इंडियन रैम्बो में भी। इसीलिए आपको बता दूं कि टाइगर की फिल्म फॉलो करेगी इंडियन आर्म्ड फोर्स के उस एलाइट कन्वर्ट यूनिट के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर की, जो अपनी जमीन पर जंग छिड़ने के कारण को पता करता है, जो खतरनाक जंगलों और हिमालय के जमे हुए पहाड़ों में तबाही और विनाश को उजागर करेगा, क्योंकि वो काफी मजबूर हो जाता है और उसे इस चीज के लिए ट्रेंड भी किया जाता है, एक अनस्टॉपेबल मशीन बना दिया जाता है। वेल, आपको बता दूं कि जितना बेसब्री से फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, टाइगर की इस फिल्म को उतना ही ज्यादा खतरा भी है। दरअसल म्यांमार में पॉलिटिकल इश्यूज, मिलिट्री को एक नेगेटिव तरीके से दिखाना, सरकार के खिलाफ, ये सारी चीजें 2008 के इंस्टॉलमेंट में हॉलीवुड मूवी रैम्बो में दिखाई गई थी, जिसकी वजह से म्यांमार के गवर्नमेंट ने इस फिल्म को वहां पर बैन कर दिया था। अब टाइगर इस फिल्म को बना रहे हैं तो उन्हें काफी सारे प्रिकॉशंस के साथ इस फिल्म को बनाना होगा, ताकि फ्यूचर में उन्हें फिल्म को लेकर कोई भी नुकसान ना झेलना पड़े। वेल, इस पर आपके क्या थॉट्स है हमारे साथ का? शर्ट की वजह से आज रैम्बो के हीरो हैं टाइगर श्रॉफ। किस किस तैयारियों में जुटे हैं वो और क्या उनकी फिल्म रचने वाली है एक इतिहास। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की फ्रेश न्यू वीडियो में, जहां हम बात करेंगे फिल्म रैम्बो की। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहें। मुश्किलें तो हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन रैम्बो की तरह पूरी की पूरी आर्मी से पंगा लेने का जिगरा हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा शेर है जो बॉलीवुड की रैम्बो लेकर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। और उम्मीद करते हैं कि जितनी सुपरहिट हॉलीवुड की रैम्बो रही थी, उससे कई ज्यादा सुपरहिट आने वाली रैम्बो हो। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, इतनी बड़ी फिल्म जिसने सिल्वेस्टर स्टालोन को एक एक्शन हीरो बना दिया, लोगों के दिलों में इस फिल्म को लेकर क्रेज बना दिया, आखिर उस फिल्म की तैयारी टाइगर श्रॉफ कैसे कर रहे हैं? वेल, नहीं पता, कोई बात नहीं, हम है ना, हम आपको बताएंगे इस फिल्म का A to Z। लेकिन आपको बने रहना होगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि टाइगर ने इस फिल्म के लिए क्या क्या तैयारियां की है। आपको बता दूं कि फिल्म वॉर के बाद टाइगर ने अपने वर्कआउट को छोड़ा या फिर रोका नहीं, बल्कि इस चीज को कंटिन्यू रखी। वो दिन के 12 घंटे शूटिंग करते थे और सुबह शाम 2-3 घंटे एक्सरसाइज किया करते थे, जिसके साथ साथ उन्होंने आर्चरी और सर्वाइवल कोर्सेज भी किए हैं, यानी कि एक ही थाली में इतने सारे पकवान, वाह। अब बात करते हैं कि क्या ये मूवी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है, और अगर बना सकती है तो फिर कैसे। दरअसल सिल्वेस्टर की मूवी ने मोस्ट वायलेंट मूवी होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें 221 वायलेंट एक्ट, 70 एक्सप्लोशन और 108 कैरेक्टर्स को मारा गया था। अब ये मूवी भी एक वायलेंट मूवी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये मूवी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाती है। अब मूवी की कहानी क्या होगी, ये तो टाइगर पर ही डिपेंड होगा। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये कैसे होगा, क्योंकि फिल्ममेकर्स डिसाइड करेंगे कि मूवी की स्टोरी क्या होगी और क्या नहीं। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोस्तों, टाइगर ने फिल्म में एंट्री मारने से पहले एक बड़ी शर्त रखी थी, जो ये थी कि फिल्म को वो अपने तरीके से चेंज करना चाहेंगे, अगर कहीं उन्हें जरूरत लगे तो। तो अब आप समझे कि टाइगर पर भी स्टोरी काफी ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि उनका एक गलत स्टेप।
जान बन चुके हैं टाइगर की फेवरेट। किस फिल्म में लेंगे रैम्बो की जगह? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट रंजनी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करते हैं बॉलीवुड के बागी टाइगर श्रॉफ की आने वाली कुछ फिल्मों के बारे में। हालांकि ये लिस्ट सिर्फ कुछ तक खत्म नहीं होती है, क्योंकि उनकी लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस समय उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, जिनमें से कुछ पर वो काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जबकि कुछ पर वो जल्द ही काम शुरू करेंगे। जिस फिल्मों पर वो ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं, उनमें से सबसे पहला नाम आता है हीरोपंती 2 का। सब्बीर खान, जिन्होंने 2014 में पहले पार्ट निर्देशित किया था, उनकी जगह इस बार फिल्म को कोरियोग्राफर से निर्देशक बने अहमद खान बना रहे हैं। फिल्म में उनके साथ मरजावा फेम एक्ट्रेस तारा सुतारिया लीड रोल में दिखेगी, जबकि उनसे लड़ने के लिए इस बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विलेन का टोपी पहन लिया है। इस फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से हो रही है और जल्द ही ये पूरी भी हो जाएगी। हीरोपंती के शूटिंग के बाद ही टाइगर बागी सीरीज के चौथी इंस्टॉलमेंट यानी कि बागी 4 पर काम शुरू कर देंगे। इस फिल्म को पिछली दो फिल्मों की तरह अहमद खान ही निर्देशित कर रहे हैं। एक्शन और रोमांस से भरी ये सीरीज फैंस की चहेती है, जिसमें इस बार टाइगर के ऑपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया जाएगा। उसके अलावा टाइगर क्वीन फेम डायरेक्टर विकास वल की एक्शन थ्रिलर गणपत में भी वो दिखेंगे, जिससे उनके साथ कृति सैनन नजर आएगी। खास बात तो ये है कि फिल्म में कृति भी जोरदार एक्शन करते हुए नजर आएंगी। इन सब के अलावा एक और फिल्म है जिसकी चर्चा काफी सालों से होती आ रही है। ये एक बहुत ही पॉपुलर हॉलीवुड मूवी का ऑफिशियल हिंदी रीमेक होगा, जिसके लिए टाइगर को फाइनल किया गया है। फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद चाहते थे कि टाइगर रैम्बो फिल्म के रीमेक से अपना बॉलीवुड डेब्यू करे, परंतु ऐसा हो नहीं सका। उल्टा आज तक भी ये फिल्म बस घोषित ही हुई है, जिस पर कभी कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस साल के अंत तक फिल्म को फाइनली फ्लोर्स पर लाया जाएगा, जिसके बाद टाइगर टाइगर अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से रैम्बो रीमेक के लिए अपनी कॉल शीट वेल एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। किसको लगा कि फिल्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और क्यों? आखिर टाइगर श्रॉफ के अलावा वो कौन से एक्टर थे जो ये फिल्म को करने के लिए तैयार थे? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। भाई आज मैं लेकर आई हूँ टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी रैम्बो की कुछ मजेदार बातें। हाल ही में दोस्तों ये अनाउंसमेंट की गई थी कि बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ टाइगर श्रॉफ हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म रैम्बो के हिंदी रीमेक के लिए चुने गए हैं। इस बात की स्ट्रांग डिस्कशन थी कि पैन इंडिया स्टार प्रभास रीमेक में टाइगर श्रॉफ की जगह लेंगे। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ द्वारा वॉर की शूटिंग पूरी करने के तुरंत बाद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस रीमेक की शूटिंग शुरू करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, टाइगर गणपत 1 और 2, हीरोपंती 2 और बागी 4 की शूटिंग में व्यस्त रहे और वो तारीखों को वेल एडजस्ट करने में मैनेज न कर पाए। टाइगर श्रॉफ के बिजी स्केड्यूल को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टार अभिनेता अगले साल के अंत तक इन फिल्मों के स्केड्यूल की शूटिंग से मुक्त नहीं होंगे और दोस्तों अपने इसी व्यस्त कार्यक्रम के कारण वो रैम्बो के रीमेक के लिए कॉल शीट को वेल एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्टर को लगता है कि इसका फिल्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसकी घोषणा हुए काफी समय हो चुका है। तो डायरेक्टर ने कॉन्टैक्ट किया और आदिपुर स्टार प्रभास को और उन्हें कहानी सुनाई। सूत्रों का कहना है कि दोस्तों प्रभास इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तैयार थे, क्योंकि दोस्तों उन्हें उनकी कहानी पसंद आई थी। इसके अलावा फिल्म के क्रिएटर्स को उम्मीद है कि फिल्म एक अखिल भारतीय परियोजना बन जाएगी यदि इसमें प्रभास होंगे तो, जो फिल्म के लिए एक मुख्य प्लस पॉइंट होगा।
हालांकि दोस्तों टाइगर ने इन सारी बातों को अफवाह कहकर टाल दिया और उनका ये भी कहना था कि मुझे तो ये भी नहीं समझ आता ये सब अफवाह आती कहां से है। रैम्बो फिल्म के रीमेक की कुछ सालों पहले ही बड़ी धूमधाम से घोषणा की गई थी। टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और दोस्तों उन्होंने इस एक्शन फिल्म के लिए पोस्टर भी शूट किया था। अब सिद्धार्थ आनंद इस परियोजना को बैंकरोल करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें देरी होती रही है। पहली बार दोस्तों सुना गया कि टाइगर को उसी पोस्ट के बाद वॉर 2 पर काम शुरू करना था जिसे सिद्धार्थ ने ही निर्देशित किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट में और देरी हो सकती है। एक सूत्र ने शेयर किया कि दोस्तों टाइगर रैम्बो के रीमेक के लिए तारीखें नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पहले ही गणपत भाग 1 और 2, हीरोपंती 2 और बागी 4 के लिए अवॉन्टेड कर दी है। हालांकि दोस्तों अब टाइगर की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है कि रैम्बो में नजर वही आने वाले हैं। खैर आप रैम्बो को देखने के लिए करने
के लिए टाइगर को जिम में खासा पसीना बहाना पड़ता है। उनका लेटेस्ट वीडियो भी इसी बात का प्रमाण है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ बागी 4 गणपत की भी शूटिंग्स में व्यस्त है। वेल, अब देखना ये होगा कि क्या टाइगर की अपकमिंग मूवी सुपर डुपर हिट होती है या नहीं। Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील पे गए बालाज। तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. क्या टाइगर श्रॉफ ने रैम्बो को करने से कर दिया था इनकार? आखिर टाइगर श्रॉफ अपने आने वाले किस प्रोजेक्ट के लिए है सबसे ज्यादा एक्साइटेड? कौन है रैम्बो के डायरेक्टर? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ तेजल और लाई हूँ आपके लिए टाइगर श्रॉफ की आगामी फिल्म रैम्बो से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने कम समय में ही बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना ली है। अब उन्हें शानदार डांसर भी कह सकते हैं और उन्हें एक स्टार एक्शन हीरो के रूप में भी देखा जा सकता है। उनका करियर इतना बढ़िया चल रहा है कि उन्हें फिल्मों की कमी नहीं है और नए ऑफर्स भी उनके पास लगातार आते ही जा रहे हैं। लेकिन एक्टर टाइगर श्रॉफ के इस बिजी स्केड्यूल की वजह से कई बड़ी फिल्में भी उनके हाथ से छूट गई है। हालांकि जब से सिद्धार्थ आनंद ने पुष्टि की थी कि वो वॉर के बाद अपने एक प्रोजेक्ट के लिए टाइगर के साथ सहयोग करेंगे, तब से बहुत कुछ बदल गया है। सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख खान की आने वाली फिल्म के लिए स्क्रिप्टिंग शुरू कर दी थी, जबकि टाइगर अपने गुरु साजिद नाडियाडवाला और अहमद खान के साथ अपनी अगली फिल्म के लिए तैयारी कर रहे थे। हॉलीवुड फिल्म रैम्बो तो आपको याद ही होगी, जिसमें एक्शन आइकॉन सिल्वेस्टर स्टेलोन नजर आए थे। ये फिल्म हॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और अब इसी सुपर हिट फिल्म का बनने जा रहा है हिंदी रीमेक, जिसके लिए फाइनलाइज कर लिया गया है हैंडसम हंक टाइगर श्रॉफ को। इतना ही नहीं, इस रोल के लिए पहले ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम सामने आए थे, लेकिन इन दोनों को पछाड़ कर अब टाइगर श्रॉफ बनेंगे रैम्बो। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि टाइगर श्रॉफ रैम्बो के रीमेक के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। लुक्स से लेकर फिजिक तक टाइगर श्रॉफ बिल्कुल सिल्वेस्टर स्टेलोन की तरह लगते हैं। प्लस टाइगर श्रॉफ मार्शल आर्ट में भी ट्रेंड है, इसलिए ये रोल उन्हें ही मिलना लाजमी था। हालांकि बीच में ऐसी खबरें भी आई कि टाइगर ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है, मगर अब टाइगर ने अपने फैंस को ऐसा सरप्राइज दे दिया है जिससे सुनकर फैंस खुशी से नाच उठेंगे। दरअसल टाइगर ने बातों ही बातों में ऐसा खुलासा कर दिया था कि वो रैम्बो के रीमेक में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, टाइगर की ये फिल्म कई पार्ट्स में भी बनेगी। आपको बता दें कि टाइगर ने इसकी जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया के थ्रू दी है कि हीरोपंती 2 की वो शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। टाइगर ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान ये खुलासा किया। सेशन के दौरान टाइगर के एक फैन ने उनसे उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगला प्रोजेक्ट हीरोपंती 2 है। उन्होंने आगे ये खुलासा भी किया कि वो मुंबई में इसकी शूटिंग करेंगे। हालांकि दिलचस्प बात ये है कि उनके फैंस ने ये भी पूछा कि वो आने वाले किस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, जिस पर टाइगर ने जवाब में कहा हीरोपंती 2, गणपत पार्ट 1 और रैम्बो 1 और बागी 4 में किसी एक को चुनना काफी ज्यादा मुश्किल है। इससे साफ हो चुका है कि टाइगर रैम्बो का हिस्सा डेफिनेटली है और ये भी कि इसके कई पार्ट होंगे बिल्कुल ओरिजिनल फिल्म की ही तरह। वैसे आपको बता दे, रैम्बो के रीमेक को सिद्धार्थ आनंद बनाएंगे और आपको ये भी बता दे कि काफी टाइम पहले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म को लेकर बताया था कि ये बड़े बजट की फिल्म है जिसमें धुआंधार एक्शन होगा, इसलिए तैयारियों में वक्त लगेगा। लेकिन जब महीनों बीतने के बाद भी रैम्बो को लेकर कोई हलचल नहीं मची तो टाइगर के फैंस चिंता में पड़ गए। लेकिन अब जब फाइनली टाइगर श्रॉफ ने इस बात पर मोहर लगा दी है तो फैंस अब राहत की सांस ले सकते हैं। वैसे टाइगर ये रोल पाकर काफी ज्यादा खुश है और उन्होंने अपने ट्वीट के थ्रू अपनी खुशी जाहिर भी की। आपको बता दें, 1982 में आई हॉलीवुड फिल्म रैम्बो एक सुपरहिट फ्रेंचाइजी है जिसके 3 पार्ट्स हैं।
और सब में सिल्वेस्टर स्टेलोन ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल और शानदार एक्शन से सबका दिल जीता था। लेकिन अब देखना ये है कि टाइगर श्रॉफ रैम्बो के लुक में कैसे नजर आते हैं और क्या वो भी सबका दिल जीतने में कामयाब रहते हैं या नहीं। वेल, ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। वही टाइगर की दूसरी फिल्म हीरो पंती की बात करें तो ये फिल्म टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरो पंती का ही सीक्वल है। इस फिल्म में टाइगर के साथ तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ गणपत पार्ट 1 और बागी 4 के लिए भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। खैर, रैम्बो के लिए क्या टाइगर श्रॉफ एक परफेक्ट चॉइस है और आप टाइगर की फिल्म रैम्बो को लेकर कितने एक्साइटेड है? हमने कमाई कर पाता है या नहीं। और आप सभी अपने फेवरेट स्टार टाइगर श्रॉफ को